अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी मच एवरीवन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आज हम फर्टिलाइजर सेक्टर को डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमने इनवाइट किया राहुल भाई को। राहुल साहब सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं एट इंटर मार्केट सिक्योरिटीज। भाई आप अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़्यादा करवाना चाहें प्लीज़ फील फ्री टू ऐड। बाकी सब के लिए मैं देख रहा हूँ कुछ लोग स्पीकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट गिव अस 30 मिनट्स, विल गो थ्रू द सेक्टर एंड आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस एंड उसके बाद माइक इज फॉर ऑल ऑफ योर्स, सो आपको फ्लोर मिलेगा। जस्ट गिव अस 30 मिनट्स सो वी कैन गो थ्रू द सेक्टर, इंट्रोड्यूस इट एंड देन वन बाय वन वी विल टेक द क्वेश्चंस डायरेक्टली। राहुल भाई इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, मे बी आई हैव मिस्ड एंड देन वी स्टार्ट विद ओवरऑल व्यू ऑफ द सेक्टर इंडस्ट्री। इस फर्टिलाइजर सेक्टर के हमेशा लाइमलाइट में होता है, ना इतना बढ़ता है ना इतना गिरता है, तो इसकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस हैं इस सेक्टर की, और आप इस सेक्टर को दूसरे सेक्टर में किस तरह कंपेयर करते हैं। So let's start with a little bit of your introduction and then overview of the fertilizer industry or sector. जी जी बिल्कुल सर, floor is yours, bye. Thank you so much sir for inviting me for this informative section on fertilizer. So sir, mera naam as you mentioned, my name is Rahul Hans. I'm working as a senior investment analyst at Intermarket Securities Limited. So it's been 3.5 years I'm working there. उससे पहले मैं एमसीबी आरएफएवी में होता था। बिफोर जॉइनिंग एमसीबी आरएफएवी आई वाज एसोसिएटेड नेक्स्ट कैपिटल। सो ओवरऑल मुझे इंडस्ट्री में कोई 5.5 साल हो गए एंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ माय करियर आई एम कवरिंग फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द सेक्टर व्हिच आई एम बीन कवरिंग सिंस स्टार्ट ऑफ माय करियर। तो ये मेरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन है सर। तो अब आप कहें तो मैं आगे फर्टिलाइजर पे बोलना स्टार्ट करूं या अदरवाइज इफ यू वांट कोई क्वेश्चन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करें ओवरऑल व्यू पे जी, और उसके बाद आई विल हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। श्योर सर, फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर आप लिस्टेड स्पेस की बात करेंगे वो मेजरली सारी वही कंपनीज हैं, अदर देन दैट कोई ऐसा अनलिस्टेड वो थोड़े एनएफएमएल है जो ट्रेडिंग बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करते हैं। जो लिस्टेड स्पेस है उसमें आपके पास एक तो फौजी ग्रुप आया था जिसमें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड एंड देन फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड है, उसके अलावा एंग्रो का है एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, देन फातिमा के 3 डिफरेंट प्लांट हैं, वो भी एक कंपनी हो गया है जिसमें फातिमा फर्ट है, फातिमा फर्टिलाइजर एंड दाउद हरक्लीज है, तो ये 3 डिफरेंट प्लांट हैं। उसके अलावा एक एग्रीटेक कंपनी करके, तो ये टोटल कंपनीज हैं जो फर्टिलाइजर स्पेस में एज इन हैं पाकिस्तान में। तो मेजरली सर ये जो सारी कंपनीज हैं अगर आप बात करेंगे तो यूरिया फोकस ज्यादा है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर ज्यादा फोकस है इनका, ठीक है। तो मेजरली ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम एफएफबीएल जो है वो आपका नाइट्रोजन भी बनाता है और उसके अलावा आपके पास डायमोनियम फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर जिसको डैप हम कहते हैं यूजली, जो कि हमारे पास कोई 20-35% जो डिमांड है हम लोकली मीट कर रहे होते हैं जो एफएफबीएल बना रहा होता है, अदर देन दैट आपका इंपोर्टेड जो है उसे मीट हो रहा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप यूरिया की ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें कैपेसिटी की, तो हमारी कोई तकरीबन 6.35 मिलियन टन की टोटल कोई कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाइज बात करेंगे तो वो ईफर्ट है, उनकी कोई कैपेसिटी है 2.275 मिलियन टन की, FFCS की कैपेसिटी है 2.05 मिलियन टन की, उसके बाद दूसरे प्लेयर्स हैं सबकी कैपेसिटीज है। ओवरऑल सर डिमांड की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान की जो यूरिया की डिमांड है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा यूरिया यूज हो रहा होता है, फॉस्फेट और पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर कम यूज हो रहा होता है। अगर फॉस्फेट देखेंगे तो जैसे मैंने डैप की बात की FFBL बनाता है, उसके अलावा फातिमा और ईफर्ट NPK और NP दोनों बनाते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फेट और नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटैश करके प्रोडक्ट है वो दोनों वो बना रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फातिमा ज्यादा यही फोकस्ड है कैन और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और
एनपी जो नाइट्रोजन फॉस्फेट है वो ज्यादा बना रहे होते हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल सर यूरिया की डिमांड की पाकिस्तान में बात करेंगे तो यूरिया की डिमांड कोई आपकी 5.8 मिलियन टन से 6.1 मिलियन टन की अराउंड डिमांड रहती है। ऑन एवरेज पाकिस्तान की डिमांड अगर एनुअल बेसिस पे बात करेंगे तो 6 मिलियन टन की डिमांड है। ये कोई तकरीबन पिछले 10 साल से तो यही डिमांड है जो जितना मैं देखता हुआ आ रहा हूँ फर्टिलाइजर को। ठीक है, उसके अलावा अगर डैप की बात करेंगे, डैप की प्रीवियसली कोई डिमांड होती थी 1.8 से 2 मिलियन टन की, जो कि इस साल हमें लगता है थोड़ा कम होगा। रीजन के इंटरनेशनली प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं डैप के, तो उसकी वजह से इस साल कोई आपकी 1.4 1.5 मिलियन टन तक की मैक्सिमम डिमांड रह सकती है। ठीक है, तो उसमें जो ज़्यादा बनाता है वो आपका जो मेजर इसका जो प्रोड्यूसर है वो आपका पाकिस्तान में तो एक ही है प्रोड्यूसर, मेजर कहें या सोल प्रोड्यूसर कहें, वो है फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम। उसके अलावा जो हम 65-70% जो हम यूरिया है वो हम डैप है सॉरी, वो हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। सही है सर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसका जो मेजर रॉ मटेरियल है वो गैस है, नेचुरल गैस है। तो गवर्नमेंट फोकस ये सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि गैस जो है वो एज यू नो पाकिस्तान में गैस की बड़ी शॉर्टेज है और गैस की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री वाइज बात करें तो वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यूज़ कर रहा होता है, तो उसकी वजह से गैस की कंजम्पशन की अगर बात करें तो ये है कि गैस जो सबसे ज़्यादा है ना वो बेसिकली फर्टिलाइजर सेक्टर यूज़ कर रहा होता है। तो यूरिया बनाने के लिए आपको कोई 23 से 25 MMBTU यूरिया चाहिए होता है एज अ फीड, और फ्यूल के अंदर आपको 4.5 से 5 MMBTU यूरिया चाहिए होता है, ओ सॉरी गैस चाहिए होता है यूरिया बनाने के लिए। जी सर, आई थिंक ओवरव्यू सर कुछ। जी, और इसमें आपने मैं जी जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल जी अच्छा, अभी जो इसकी गैस की अभी शॉर्टेज भी आने वाली है, तो वो किस तरह इम्पैक्ट करेगी, किस कंपनी को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी? सर, गैस की शॉर्टेज जो है ना फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को वो गैस की शॉर्टेज कभी हुई नहीं है। उसके दो रीजन है, एक तो एज आई मेंशन अर्लियर इंटरनेशनली यूरिया बहुत महंगा है और हम यहाँ पे सस्ता बना के बेचते हैं तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर पे रखा जाता है, अपार्ट टेक्सटाइल से ऊपर भी फर्टिलाइजर के बिन रखा जाता है। ठीक है, तो वो और हम यूज करते हैं लोकल नेचुरल गैस जो लो BTU गैस होती है, जिसका हीटिंग जो वैल्यू है वो थोड़ी कम होती है, वो हम वो गैस यूज कर रहे होते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो गैस यूज कर रही होती है। तो गैस की शॉर्टेज एवरी ईयर आती है बट वो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए नहीं होती। ठीक है, तो फर्टिलाइजर सेक्टर इम्यून है, इवन फर्टिलाइजर सेक्टर को पिछले कोई 3-4 साल में बहुत गैस ज्यादा मिलना स्टार्ट हो गई है। उसके दो तीन रीजन है, एक तो ये कि पहले GIDC हुआ करता था, वो GIDC हटा, उसके बाद कंसेशनरी गैस मिलती थी वो थोड़ा ईफर्ट के लिए स्टार्ट हुआ तो ईफर्ट को एडिशनल गैस मिलना स्टार्ट हो गई। उसके अलावा अभी रिसेंट कोविड के बाद ना इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया के भी प्राइस और डैप के यूरिया के प्राइस अगर हम बात करें, यूरिया क्योंकि हम यूजुअली यूरिया बना रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो अगर आप वो इम्पोर्ट करके यहाँ लेके आए तो वो कोई अभी भी आपको कोई 7.5-8 हज़ार रुपए का यूरिया का पर बैग कॉस्ट आ रही होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोकल की बात करें तो हम कोई बेच रहे होते हैं 2155 रुपए का, कंपनी पे जो है वो बेसिकली डीलर ट्रांसफर प्राइस होती है और डीलर जो है वो ज्यादा प्रीमियम रख के कोई 2500-2600 का बेच रहे होते हैं। यूजली इतना प्रीमियम होता नहीं है जो कि अभी हो गया है मार्केट में, उसके ऊपर मैं बाद में डिस्कशन कर लूंगा कि वो प्रीमियम आया क्यों है, बट अभी वो 500-600 रुपए का प्रीमियम है तो 2600 रुपए का मिल रहा होता है। तो अब इंटरनेशनल प्राइसेस से देखें तो अभी कोई तकरीबन 70-75% डिस्काउंट पे लोकली आपको यूरिया मिल रहा है। इसकी यही रीजन है कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने मेजर्स भी लिए थे जब यूरिया स्मगल होना स्टार्ट हुआ था। सही सही। अच्छा, दो जी क्वेश्चन है, उनको मर्ज कर लेते हैं। एक ये कि नॉर्मली किस महीने में या महीनों में ऑफटेक जो है वो हायर होता है फर्टिलाइजर्स का, और दूसरा आप फ्लड का इम्पैक्ट इस पे किस तरह देख रहे हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे या क्रॉप पे? मेरी तो फ्लड से पहले बाद अंडरस्टैंडिंग थी कि फ्लड्स के बाद शायद फर्टिलाइजर की डिमांड कम हो, लेकिन कुछ कहते थे नहीं, फ्लड से जो है वो थोड़ा सा मसला हो जाता है सॉइल को,
और उसके बाद डिमांड बढ़ जाएगी फर्टिलाइजर की। तो आप इसको फ्लड्स वगैरह से रिलेट करके किस तरह देखते हैं ऑफ टेक वगैरह में? सही सही है सर। मैं आपको पहले आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी वो मैं मिस कर दिया, पहले के कौन से बढ़ मही गया। किस महीने में हाँ नॉर्मली फर्टिलाइजर्स का ऑफ टेक हायर होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही और मुझे लगता है थोड़ा सा सिग्नल का भी इशू है आपका। आ राहुल रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आइए, बीच में पॉज हो गई थी, अभी आ रही है। जी गो अहेड। तो मेरा पहला सही है, क्वेश्चन था कि कौन से महीनों में फर्टिलाइजर के ऑफ टेक बिल्कुल से सर, मुझे हायर क्वेश्चन होते हैं? आपका पता चल गया। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ सर। पाकिस्तान में देखें दो सीजन होते हैं, एक तो खरीफ होता है, दूसरा रबी सीजन होता है। ठीक है, तो सर जो मेजर सीजन जिसको हम कहते हैं वो रबी का सीजन होता है। ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा होता है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, उसकी तो वो स्टार्ट होती है अक्टूबर से दिसंबर। इस मंथ में ना, अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक, आपका यूरिया और डैप की जो सेल्स है ना बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद वो नॉर्मल फेज आ जाता है और हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है अप्रैल मई में। ठीक है, तो उसके बाद एक सेकेंड सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल से जून का, यूजली वो सीजन होता है जिसको खरीफ सीजन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरा सीजन होता है जिसको खरीफ कह रहे होते हैं। तो इस महीनों में ना यूरिया की सेल्स ज्यादा होती है, डैप की सेल्स जो है वो सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर की सेल में मंथ में ज्यादा होती है, बट यूरिया की आपकी अक्टूबर से दिसंबर और उसके बाद अप्रैल से जून तक, जुलाई तक आपकी यूरिया की सेल्स ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये टोटल दो सीजन है आपके। अगर आप रबी की बात करेंगे तो रबी में जो हमारे पास मेजर क्रॉप्स हैं वो आप कह लें कि वो हमारे पास क्रॉप है जो उस टाइम पे आ रही होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर खरीफ की आप बात करेंगे तो उसमें शुगर केन होता है, राइस होता है, कॉटन होता है, मेज होता है, तो वो उस टाइम पे यूरिया ज्यादा चल रहा होता है, तो वो अप्रैल टू जून का टाइम होता है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आया और था फ्लड्स का किस साल इंपैक्ट फ्लड किस तरह होगा इस सेक्टर पर? वाला? बिल्कुल, उसी उसी पे मैं थोड़ा आपको कलर दे रहा हूँ। फ्लड्स का आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद सिग्नल वीक है। राहुल आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी, थोड़ा सा जी, थोड़ा सा सिग्नल में मुझे इशू लग रहा है आपके, तो अगर थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर लें। आपकी अभी आवाज़ नहीं आ रही। क्या राहुल होगी सर आपको? जी अभी आइए, जी हेलो, गो अहेड, जी जी गो अहेड। राहुल मेरी राहुल सुन रहे हैं? राहुल 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 आप अभी म्यूट हैं, आपको सुन नहीं पा रहे हम, अनम्यूट करें। राहुल भाई आपके सिग्नल बहुत वीक हैं, वी कांट हियर यू, देयर इज सम इश्यू। अनम्यूट करें बट सिग्नल का कुछ करें।
मैं लीव करके फिर ज्वाइन कर लूं अगर आपको आवाज नहीं आ। नहीं, लीव करने का शायद मसला है या आपके सिग्नल का मसला है, ट्राई कर लें। जी बात करें, देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। हेलो। राहुल भाई? जी, नाउ वी कैन हियर। हाँ सही है सर। तो सर पाकिस्तान में जैसे आपने अभी सही है। फ्लड्स की बात की, तो फ्लड्स पे मैं आपको कलर देता हूँ। फ्लड्स जो मेजरली आए थे ना सर, वो आए थे आपके सिंध और बलूचिस्तान में। दैट इज अराउंड 25 to 30% या 35% ऑफ योर टोटल क्रॉप एरिया। ठीक है, तो सर वो ज्यादा जो आप अगर आप देखेंगे तो ज्यादा फसलें जो पंजाब साइड पे हो रही होती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से एज सच फर्टिलाइजर पे एज सच कोई इनिशियली इम्पैक्ट आया था डिमांड के ऊपर, लेकिन उसके बाद होता ही है कि बेसिकली जब वो जमीन जो है वो वंस आपका पानी आ जाता है, उसके बाद आप उसको ड्रेन करके उसके बाद फिर से आप उसके ज्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे होते हैं उसको फिर से फर्टाइल बनाने के लिए, तो जो इनिशियली आपकी डिमांड चली गई थी वो फिर वापस आ जाती है। तो एज सच इतना ज्यादा कोई फ्लड का इनिशियली इम्पैक्ट था, उसके बाद एज सच कोई इम्पैक्ट था नहीं। तो जो आपका रबी का सीजन है वो थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ। तो हम फ्लड के इंपैक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर एज अ सेंस कर सकते हैं कि यूरिया पे एज सच इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यस डेप पे पड़ेगा, बिकॉज जो छोटे फार्मर है ना उनकी बेचारों की यील्ड बड़ी इफेक्ट हुई है। ठीक है ना, जो 1-2 एकड़ या 2-3-4-5 एकड़ लेके बैठे हुए थे बेचारे, उनकी जो कॉटन वॉटन जो उनकी वो इम्पैक्ट हुई है, तो उनको ज्यादा अफेक्ट हुआ है एज कम्पेयर टू जो लार्ज स्केल वाले फार्मर है उनको। तो एज सच कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इससे। तो आपकी डिमांड यूरिया की कोई सही, 5.8 या 6 point, इस साल मेरे ख्याल से 6.1 मिलियन टन के अराउंड ही होगी। कोई ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल कम हो जाएगी आपकी, जो कि एक टाइम पे 5.5 मिलियन टन की हो गई थी। अगर 2011 का फ्लड देखेंगे ना, तो उस टाइम पे 5.5 या 5.3 मिलियन टन की कुछ डिमांड हो गई थी, बट इस बार ऐसा कोई ऐसा इम्पैक्ट आया सही नहीं है। सही। तो अगर हम लिस्टेड कंपनी को देखें तो आप उसमें कौन से देखते हैं, और फ्यूचर आउटलुक कैसी है? या अगर एक कंपनी अगर मैं फोकस करूं तो व्हाट दैट कंपनी शुड बी? सर यहाँ पे देखें दो कंपनीज हैं मैं जिनका आपको ज्यादा बोलूंगा, एम्फेसाइज करूंगा। एक तो है ईफर, दूसरा है फौजी फौजी फर्टिलाइजर FFC। ठीक है, एक एग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर है। दोनों की यील्ड कोई सर अगर आप ईफर की यील्ड की बात करेंगे तो 20 से 21% की यील्ड उसकी होगी। डिविडेंड यील्ड की बात करोगे कंपनी का, अगर शेयर प्राइस आज आप देखें कि 70-75 रुपये का, सॉरी 80 रुपये का है, तो वो कंपनी कोई आपको 18 रुपये का 17 रुपये का डिविडेंड आराम से दे सकती है। ठीक है, अगले साल तो यील्ड वाइज आपका ईफर्ट बेहतर है, लेकिन ईफर्ट के साथ सिर्फ एक इशू है कि उनका GIDC का एक इशू है। वो फर्टिलाइजर सेक्टर पे एक GIDC का एक इशू चल रहा है, उसका अगर डिसीशन कोई एडवर्स आता है कोर्ट का तो वो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अदरवाइज अगर टॉपिक बात करेंगे तो ईफर्ट है, और रिस्क इसमें यही है। FFC की भी यील्ड कोई आपकी 16-17% की FFT की यील्ड है, जो कि आपका कोई अगर 102 रुपये का स्टॉक है तो आपको तकरीबन कोई 17-18 रुपये वो भी डिविडेंड दे देगा। तो FFC और ईफर्ड दोनों टॉपिक हैं। अगर बिल्कुल टॉपिक की बात करें, ये सिर्फ एक ही आपकी प्रेफरेंस है, तो वो ईफर्ड है। सही। अगर मैं डिविडेंड यील्ड देखूं तो वो एंग्रो की और एफएफसी की सेम है, अराउंड 13%। तो एंग्रो इज अ होल्डिंग कंपनी, अगर कुछ भी नेगेटिविटी आती है फर्टिलाइजर सेक्टर में तो एंग्रो अब्जॉर्ब कर सकता है शॉक्स फ्रॉम इट्स पावर कंपनी, केमिकल है, फूड है। सो हाउ डू यू सी एंग्रो? सर एंग्रो देखें एक कंग्लोमरेट है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। फर्टिलाइजर उसका सिर्फ एंग्रो फर्टिलाइजर ही है, बाकी उसकी बहुत सारे और बिजनेसेस हैं। तो एंग्रो इटसेल्फ इज अ गुड कंपनी, बट एंग्रो का सिर्फ एक ही इश्यू रहा है। अगर आप 2015-16 से देखें तो एंग्रो के पास कोई कैश बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है बुक के ऊपर, 60-70 बिलियन रुपए का कैश पड़ा हुआ है, जो कि वो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे।
तो इन्वेस्टर्स के लिए वो एक पुल बैक है कि यार ये सिर्फ टी बिल्स या पीआईबीज में रख के बैठे हैं, और डिविडेंड यील्ड तो सही है लेकिन ग्रोथ है सच, फर्टिलाइजर देखें फर्टिलाइजर में वाकई ग्रोथ तो नहीं है कि आपको हर साल इतना ही डिविडेंड मिलेगा, अर्निंग थोड़ी आगे पीछे हो गई, यूरिया के प्राइस बढ़ गई तो थोड़ी अर्निंग बढ़ जाएगी, अगर गवर्नमेंट ने पास ऑन नहीं करने दिया तो आप हिट ले लोगे तो इतनी ज्यादा अर्निंग बढ़ेगी नहीं। एंग्रो के साथ ये नहीं, एंग्रो एक कंग्लोमरेट कंपनी है तो कंग्लोमरेट कंपनी और एक होल्डिंग कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और ज्यादा री इन्वेस्टमेंट करेगा, नए प्रोजेक्ट्स में पैसे डालेगा, तो वो एंग्रो के पिछले 5 साल में वो चीज रही नहीं है। अगर आप उसको लकी से कंपेयर करेंगे, लकी देखें लकी एक सिर्फ सीमेंट कंपनी हुआ करती थी 2016-17 में, उसके बाद उन्होंने कोई 80-90 बिलियन रुपीज सर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं विद इन सीमेंट सेक्टर, ऑटो मोबाइल सेक्टर, उसके अलावा आपका पावर सेक्टर, केमिकल सेक्टर इन दैट केस, तो उन्होंने बड़ा इवॉल्व किया है। तो उन्होंने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भले नहीं दिया लेकिन एक उनकी वैल्यू और वैल्यू जनरेट करके दिए। तो एंग्रो की अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 2 साल पहले भी आपको कोई 30-32 रुपए की अर्निंग नजर आती थी, आज भी आपको 30-32 की नजर आएगी। हाँ अभी वो थोड़ी बढ़ जाएगी कि यार चलो ठीक है अभी आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, फर्टिलाइजर से अर्निंग ज्यादा आ रही है, केमिकल ने अच्छा परफॉर्म किया, तो 35-40 रुपए की अर्निंग आ सकती है। अगर मैं तीन चार सेक्टर पिक करता हूँ फॉर माई इन्वेस्टमेंट, सो उनमें फर्टिलाइजर होना चाहिए? सर फर्टिलाइजर आपका वन ऑफ द टॉपिक होना चाहिए, देखें सर आगे जाके इंटरेस्ट रेट हमें लगता है कि आगे जाके कम होंगे, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो सर फर्टिलाइजर की पास स्टॉक भी पड़ा रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट सही सही है। तो आप कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो। बिल्कुल सर, क्योंकि हाई यील्ड सेक्टर है, बिल्कुल होना चाहिए और इस टाइम पे तो सही। बिल्कुल होना अच्छा, मेरा चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, जी जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी ओपन द माइक। दावा भी है, दाऊद हरकुलिस भी लिस्टेड है, एंग्रो भी लिस्टेड है, फिर इनकी सारी सब्सिडरीज भी लिस्टेड हैं, तो इसकी क्या लॉजिक है कि इन्होंने होल्डिंग भी लिस्ट की हुई है, फिर बीच में एंग्रो ले आए हैं और उसके नीचे सारी सब्सिडरीज हैं? तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपने एनालाइज करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि क्या वजह है कि होल्डिंग भी लिस्ट की हुई है और उसके जो एक पेरेंट है वो भी लिस्ट की हुई है? सर ये सिर्फ एंग्रो नहीं है, ऐसे आप दूसरी कंपनीज भी देखेंगे तो वो भी ऐसे ही है सर, ऐसे आपकी वैल्यू एनहेंस हो रही होती है ना, आपके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ज्यादा बेहतर हो रहे होते हैं हर कंपनी के अलग अलग से। अब जैसे इनकी कोई जो RLNG जो इनके जो LNG टर्मिनल का काम है या दूसरा जो इनका एग्जिम का काम है वो लिस्टेड, अब टावरिंग का जैसे इन जेड केस काम है तो वो अभी ऐसा लिस्टेड नहीं है, तो आपको उसके ऊपर इतने ज्यादा डिस्क्लोजर नजर नहीं आ रहे होते, तो कंपनी लिस्टेड है दैट सही मीन्स सही कंपनी स्टॉक पे लिस्टेड है और आपको उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपको सब चीज प्रोवाइडेड होती है ना, और आपको एक ट्रू सही वैल्यू भी पता चल रही होती है फ्रॉम मार्केट प्राइस से। सही। अभी एक क्वेश्चन मुझे ट्विटर पे पूछा है कि आप देख रहे हैं फर्टिलाइजर में अगर कोई कंपनी जो है वो गैस से स्विच करके किसी और साइड में जाए, सोलर वगैरह में, या इस तरह का शिफ्ट करें, क्योंकि गैस की तो नहीं सर ये अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। सर आगे जाके कोई 15-20 साल के बाद कोई इशू उनके पास आया तो आया सर, अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं, क्योंकि लो BTU गैस जैसे मैंने फरमाया पहले कि लो BTU गैस ही यूज कर रही होती है इंडस्ट्री, तो बेसिकली सर इसमें ये है कि इसमें सिर्फ एक कंपनी है FFBL जिसने अपनी फ्यूल सही के लिए उन्होंने पावर प्लांट लगाया था, कोल बेस्ड पावर प्लांट सर पहले, उसके अलावा किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। सही सही। अच्छा, चलें क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नदीम साहब, प्लीज गो अहेड। जी राहुल साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी एनालिसिस की, मैंने थोड़ा सा सुना। ये बताइए कि आपने बताया कि एंग्रो के पास 60 बिलियन कैश है, तो क्या वजह है कि वो नहीं इन्वेस्ट करते? और दूसरी चीज़ व्हाट आईड लाइक टू हियर इज, आपने जो तीन चार फर्टिलाइजर कंपनीज के नाम लिए हैं लाइक एंग्रो, फौजी और फिर लकी वगैरह जो भी हैं, इनमें से कितने परसेंट शेयर मार्केट में, कितने परसेंट ओनर्स के पास है? और तीसरी चीज़ ये कि इनकी लास्ट लेट्स से 5 ईयर्स में ग्रोथ कितनी हुई है, क्योंकि मुझे तो पता चला है कि एंड्रो हैज़न्ट ग्रोन इन द लास्ट 10 ईयर्स।
बिल्कुल सर। सर देखिए, कैश कंपनी के पास कोई अभी 80 बिलियन के अराउंड ही होगा सर। कंपनी हमेशा देखती है पेट्रोकेमिकल का, अगर आप देखेंगे जो बेसिकली नेफ्था क्रैकिंग का प्लांट जो होता है वो, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। लेकिन सर उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, वो कोई इन्वेस्टमेंट है 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से कमिटमेंट चाहिए, तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। दूसरा अगली एक टावर आपने देखा होगा, टेलीनॉर और अपना टावर का बिजनेस सेल कर रहा है। तो अंदर टीपीएल उनका जो कंसोर्शियम एक यूएई बेस्ड कंपनी से, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी एंग्रो बड़ा इफेक्टिवली इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। तो सॉरी फाइव में राहुल साहब आपकी आवाज चली गई, बट लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्या एनग्रो जो थरकोल में भी चला गया, फूड में भी चला गया, इधर उधर चला गया, व्हाट इज एनग्रोस एनग्रोस कोर कॉम्पिटेंस एंड इज इट बिकॉज दे डोंट हैव अ कोर कॉम्पिटेंस कि वो ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले 10 साल में उनकी ग्रोथ तो नहीं हुई, या हुई है? राहुल आप सुन रहे हैं? I might add के आई थिंक इन डॉलर टर्म्स अगर देखा जाए, एनग्रो माइट एक्चुअली हैव फॉलन इन इट्स ग्रोथ। जी सर, एंग्रो ने पिछले 4-5 साल में ग्रो नहीं किया जब से उनका पावर प्लांट। राहुल आपके सिग्नल शायद वीक हैं, आपकी आवाज चली जाती है, मजा नहीं आ रहा। अभी आ रही है आपको आवाज सर? जी, जब आप कहते हैं आ जाती है। सही है सर। तो सर एंग्रो ने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पिछले 4-5 साल में परफॉर्मेंस है वो, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वाइज रहेंगे तो हाँ थोड़ी बहुत बेहतर रही है वो, ऑल थैंक्स टू देयर फर्टिलाइजर एंड केमिकल बिजनेस। अदर देन दैट एंग्रो ने कोई अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो ये है। सॉरी, व्हाट और अबाउट द इसको एनग्रो जो फैली हुई है, जो हर एरिया में, अब आप कह रहे टेलीफोन टावर, टेलीफोन टावर्स में घुस रही है, व्हाट इज एनग्रोस कोर कॉम्पिटेंस? इज इट गोइंग टू ग्रो बाय जस्ट मेकिंग एक्विजिशंस एंड रैंडमली इन्वेस्टिंग, या डू दे हैव अ स्ट्रेटजी? सर, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इज अ पार्ट कंग्लोमरेट, इसीलिए एंग्रो को कहते हैं ना कंग्लोमरेट, है कि वो एक सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। जैसे लकी भी देखेंगे, लकी भी इज अ कंग्लोमरेट नाउ, तो वो इवॉल्व हुआ। आईसीआई देखेंगे, आईसीआई भी केमिकल से निकल के फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंसेज, एग्री साइंसेज, तो दिस इज कंग्लोमरेट वर्क्स इन 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 दिस इन्वायरमेंट जहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। अगर अभी इनकी कोर कॉम्पिटेंसीज की बात करेंगे तो दैट इज फर्टिलाइजर एंड पावर, जिससे ज्यादा उनको रिटर्न आ रहा होता है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। पर राहुल अभी साहब इन्होंने एबीएम बड़ी के साथ कंपनी है, भी आईटी में किया है। बट खैर साहब, जो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनीज है वो ऐसे कंग्लोमरेट्स नहीं होते कि रैंडम इन्वेस्टमेंट करें। तो हमारी कंपनीज, डू दे हैव ग्रोथ पोटेंशियल, या कि ये सिर्फ ढूंढ रही हैं कोई अपॉर्चुनिटीज, एक किस्म का जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स? सो देन इन दैट सेंस दे ऑपरेट म्यूचुअल फंड बिल्कुल कंपनी। जी, इसके ऊपर सर आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग। देखें, कंग्लोमरेट इंटरनेशनली यूनिलेवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में है, पीएनजी इन दैट केस। तो इंटरनेशनली भी कंग्लोमरेट जो होते हैं वो मोस्टली इसी 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 डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे होते हैं। बट एंग्रो इज करंटली लुकिंग, बट अभी कोई इनके पास एज सच कोई चीज मटीरियलाइज हुई नहीं है पिछले 4-5 साल में, तो वो कैश बिल्ड होता जा रहा है उनके पास। दिस इज अ रीजन की स्टॉक परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आ रही, डिस्पाइट हैंडसम डिविडेंड, आपको स्टॉक परफॉर्मेंस ऐसा सच नजर नहीं आ रही, बिकॉज वो इन्वेस्टर्स का वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ द री इन्वेस्टमेंट, वो री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। अदील मेमन साहब प्लीज गो अहेड। अदील जी, थैंक यू वेरी मच। राहुल, मेरा आपसे क्वेश्चन है रिगार्डिंग ईफर्ट के हवाले से। अच्छा, ईफर्ट का सुनने में आ रहा है कि उसका कोई प्लांट भी बंद है, या उसकी कुछ आगे जो अभी रिजल्ट्स आने वाली है उसमें शायद उसकी रिजल्ट थोड़ी सही नहीं आए, तो काफी लोग हमारे जैसे हैं जो है ना उस इंतजार में, शायद इसकी प्राइस जो है ना वापस आ जाए 70 पे, या आपको याद होगा आज से साल 1.5 साल पहले वो 60 में भी आई थी, 70 से 60 आई थी, उसकी क्या वजह थी? अभी आपको कुछ लग रहा है इसकी प्राइस नीचे आएगी, या आप क्या समझते हैं इस भी कंटिन्यू रहेगी, या आके उसका क्या आप बताएंगे कितना जा सकता है ऊपर? तो अभी बाइंग के हवाले से कि लेना चाहिए या वेट करना चाहिए?
सर ईफर्ड का जब आपने बात किया, बिल्कुल ईफर्ड का एनुअल प्लांट है वो मेंटेनेंस शटडाउन पे गया है, वो बंद है, एज इन कि मेंटेनेंस के लिए 2 महीने के लिए बंद है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया वो प्लांट, वो 2 महीने के लिए मेंटेनेंस शटडाउन है। पिछले 1.5 साल से वो मेंटेनेंस शटडाउन पे नहीं गया, वो हर हर प्लांट जाता है, इवन FFC का भी कोट माची का प्लांट जो है वो भी मेंटेनेंस के ऊपर गया हुआ है। तो ऐसे मेंटेनेंस शटडाउन होते रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत अर्निंग इंपैक्ट होगी ड्यूरिंग द क्वार्टर, बट मुझे नहीं लगता कि ये 70 के अराउंड आएगा। रीजन क्या है उसकी, रीजन ये कि आपके पास डिविडेंड यील्ड बड़ी अट्रैक्टिव है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि पिछले 1.5 साल पहले इसका प्राइस जो है 60 या 60 बिलो चला गया था, वो उसके सर रीजन था, उस टाइम इनकी कंसेशनरी जो गैस है ना एनविन प्लांट की, जो एनविन प्लांट है वो फर्टिलाइजर पॉलिसी 2001 के अंडर लगा हुआ है। उस पॉलिसी में ये था कि जो भी नई कंपनी, जो कंपनी नया प्लांट या एक्सपेंशन करेगी उनको 70 सेंट के ऊपर फीड गैस मिलेगी, जबकि इंडस्ट्री को यूजली वो 300 रुपए पे मिल रही होती है और इनको उसके आधे से भी कम प्राइस पे मिल रही थी। तो वो उनका जो एक डिस्प्यूट था गवर्नमेंट के साथ कि उनको यूजली वो, अगर प्लांट देखेंगे तो वो प्लांट जो ऑनलाइन आया था वो 2011 में ऑनलाइन आया था, लेकिन वो उनको एक्चुअल गैस मिलना स्टार्ट 2013 से हुई थी। तो वो 2 साल का जो डिफरेंस है उसके ऊपर इनका लिटिगेशन चल रही है, लेकिन दो जो 1.5 साल पहले था यही कि यार जब इनका 2021 में जून के बाद जब ये प्लांट क्या बोलते हैं नॉर्मल गैस रेट पे ऑपरेट करेगा तो इनकी अर्निंग कोई 7 रुपए से 8 रुपए की अर्निंग होगी, तो उस पे स्टॉक ने रिएक्ट किया था। बट अब उसके बाद हुआ ये कि गवर्नमेंट ने उनको ज्यादा गैस एलोकेट की, ठीक है, वन अदर यूरिया के प्राइसेस भी अच्छे खासे इंक्रीज हो गए, GIDC हट गया, तो उसके बाद उन्होंने प्राइस भी अच्छे बढ़ाए, तो उसके बाद कंपनी की अर्निंग उसी लेवल पे रही, 16-17 रुपए 15 रुपए, उसकी वजह से फिर वो स्टॉक ने रिबाउंड किया, उसको कैचअप किया उसकी यील्ड को और उसकी प्राइसेस को। राहुल भाई अभी एंग्रो में हैवी बाइंग आई थी इसमें 3 दिन पहले, माफ कीजिए एक और मेरा क्वेश्चन है इसमें कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि अभी हमें सब सुनने में आ रहा है कि गैस जो प्राइस है हमारी ये अभी इंक्रीज होने जा रही है, होगी और लग भी ऐसे ही रहा है, क्योंकि अभी गैस ही बचा है जिसको बढ़ा के कुछ ना कुछ वो करेंगे। एक तो ये गैस की अगर बढ़ जाती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब गैस बढ़ जाएगी प्राइस तो डेफिनेटली उनके जो पे आउट है वो भी कमी आएगी। दूसरा ये कि इंटरनेशनल मार्केट जो फर्टिलाइजर की उससे इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी लास्ट देखा कि वो 300 मेरे ख्याल में डॉलर से कोई $1,000 तक भी चला गया था फर्टिलाइजर, तो हमारा क्योंकि लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं लोकली हम बेच रहे हैं, तो मेरे उसका आपका क्या समझते हैं, कोई इंटरनेशनल मार्केट का कमोडिटी प्राइस का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये दो क्वेश्चन है। गैस बढ़ जाती है पाकिस्तान में तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? हाँ सर, तो इसमें दो दो क्वेश्चन है आपके, पहले मैं एक क्वेश्चन को आंसर कर लेता हूँ कि गैस के प्राइसेस, सर गैस के प्राइस जितने बढ़ेंगे उतने से ये लोग प्राइस पास ऑन कर लेंगे, ठीक है, तो वो बेसिकली उनका प्राइसिंग पावर है। दूसरा ये कि मार्केट में, जैसे मैंने पहले स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन मैंने ये बताया था कि मार्केट में डीलर का और कंपनीज के बीच में बड़ा अच्छा स्प्रेड चल रहा है यूरिया का, अगर कंपनी 2155 का बेच रही है तो डीलर 2600-2700 रुपए का बेच रहा है, तो इनके पास रूम है उसको कैच करने का, कोप अप करने का उस मार्केट प्राइस को डीलर प्राइस से, ठीक है। और दूसरा सर इंटरनेशनल प्राइस का पूछा था, रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोई 3 लाख टन यूरिया इम्पोर्ट किया है जिसकी पाकिस्तान में लैंडेड कॉस्ट है 7,500 रुपए, तो गवर्नमेंट उस पर कोई 5 से 6 हज़ार रुपए सब्सिडी दे रही है पर बैग वो मार्केट में बेचने के लिए, तो इसीलिए आजकल वो ना हम इंटरनेशनल प्राइसेस से बड़ा लिंक करते हैं। तो अगर कल गैस के प्राइसेस बढ़ते तो इनके पास बहुत अच्छा रूम है प्राइसेस बढ़ाने का, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे ना तो यूरिया के प्राइसेस कोई $200-$250 के एवरेज पे इंटरनेशनली ट्रेड करते थे, लेकिन यूरिया के प्राइसेस भी 800-900 हज़ार डॉलर तक चले गए थे कोविड के टाइम पे, जो कि बनते हैं 13-14 हज़ार रुपए पर बैग यूरिया का प्राइस, और आप लोकली बेच रहे थे 2,500 रुपए का, 2,000 रुपए का, 2155 रुपए का। राहुल भाई ये मैंने पूछा था एंग्रो में हैवी बाइंग आई थी उसके पीछे क्या न्यूज थी? उसके दो तीन मैंने जैसे एक्विजिशन की जो बात की, एक टावर की एक्विजिशन, दूसरा ये कि एंग्रो का जो पावर का जो बिजनेस है उसके रूमर्स हैं कि वो मे बी कोई एक पावर कंपनी जो है हमारे यहाँ पे वो मे बी कोई उनको बाय कर ले, जैसे एंग्रो थर पावर है, CCMC है, EPQL इनका एंग्रो पावर जिनका आदरपुर लिमिटेड, उनकी बाइंग का है कि मे बी वो उनके अंदर बाइंग, मतलब वो कोई एक पावर कंपनी वो उनको बाय कर ले, तो उसके ऊपर थोड़ा रिएक्शन आया था स्टॉक के अंदर। डाइवेस्ट करने का सोच रहे होंगे या डाइवेस्ट कोई और? सर बिल्कुल, डाइवेस्टमेंट, एक डाइवेस्टमेंट का है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का है कि यार वो जो टावर बिजनेस है ना
उसमें ये लोग 80-90 बिलियन रुपी का वो कोई टावर्स हैं टेलनॉर के, वो खरीद रहे हैं कि भाई उन्होंने बिट किए, तो ये अच्छा, दो दो तीन अगर इनके पास इतना ज्यादा कैश है जैसे आप बता रहे थे, तो बायबैक क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया में बायबैक करनी है अभी कंपनीज। इनके कर रहा है इनके शेयर्स बाय। आपने देखा होगा दाउद हरक्लीस का नोटिस भी आया था कि वो अपनी सब्सिडीज ईफर्ड ईपीसीएल तो इनको बाय करेगा डायरेक्टली। ये लोग अभी तक तो नहीं कर रहे, मे बी इन इन नियर फ्यूचर, जो आजकल ट्रेंड चला है कि वो पहले मेपल देन लकी, उसके बाद आपका ये अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं बैंक अल्फला का नोटिस आया है, तो मे बी वो जंप इन करें बाय करने के लिए। बट एज ऑफ नाउ कोई ऐसा कोई इंटेंशन मुझे नजर नहीं है अभी तक बाय करने की। सही, अरसलान साहब, अरसलान सईद। जी बहुत शुक्रिया राहुल भाई। मेरा क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन है मेरे। एक एग्रो फर्टिलाइजर से रिलेटेड, आपने मेंशन किया था कि एक जीआईडीसी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे आ सकता है, उसको थोड़ा सा बता दें कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है और चांसेस हैं उनके अगेंस्ट डिसीजन आने का या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है एग्रो से रिलेटेड, आपने मेंशन किया कि 80 बिलियन ऑलमोस्ट उनके पास कैश है, तो खिजर भाई ने थोड़ा सा उसको भी टच किया कि बाय बैक का, तो बाय बैक या डिविडेंड के फॉर्म में आपको लगता है कि दे कैन रिटर्न इट बैक टू द शेयर होल्डर्स। सही है सर। पहले मैं आपका वो जीआईडीसी का क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ। सर जीआईडीसी देखे सर, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है वो टापी गैस पाइपलाइन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ 2011 में, ठीक है। तो सर उसमें बेसिकली आप, मैंने जैसे फर्टिलाइजर पॉलिसी का जिक्र किया तो उसके अंदर लिखा हुआ था, क्योंकि एंग्रो और फातिमा, एंग्रो का एनवन प्लांट और फातिमा फर्टिलाइजर का पूरा प्लांट, ये दोनों फर्टिलाइजर पॉलिसी 2001 के अंडर लगे हैं, ठीक है। तो उस अगर उसके डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो आपके ऊपर जो फीड गैस है वो 70 सेंट की चार्ज होगी, उसके ऊपर ओवर एंड अबव कोई सेस ड्यूटी या टैक्स कुछ भी चार्ज नहीं होगा। तो जीआईडीसी से सेस, तो वो आपको गवर्नमेंट ने कहा है कि यार इनका जो है ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट में 2020 में जो केस चला था, तो उसमें ये था कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने कहा था कि उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रपोजल दिया था, उसमें कहा था कि इन इन प्लांट से भी गैस लेना है, जो है जीआईडीसी लेना है, तो वो कोई 34-35 बिलियन रुपीज बनते हैं ईफर्ड के लिए। लेकिन ईफर्ड ने उसके ऊपर स्ट्रेट अवे स्टे ले लिया था, वो जीआईडीसी छोड़े, बाकी पूरी इंडस्ट्री भी जीआईडीसी पे कुछ नहीं कर रही थी, जो दूसरा नॉर्मल जीआईडीसी जो पे करना चाहिए इनको, उसके ऊपर भी ये लोग कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर गए हैं और कह रहे हैं कि देखना चाहिए कि हमने प्राइस पूरा पास ऑन किया नहीं किया, इसका ऑडिट होना चाहिए, हम प्राइस पास ऑन कर भी रहे नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो था वो पास ऑन किया है प्राइसेस के अंदर। और उसके अलावा कह रहे हैं कि जो जो टापी गैस पाइपलाइन है उसकी प्रोग्रेस देखी जाए कि यार उसकी प्रोग्रेस हुई है नहीं हुई है। तो वो बहुत सारे केसेस हैं जो कोई इस टाइम पे कोई 400-450 केसेस हैं पूरी इंडस्ट्री ने मिलके डाले हुए, वो सिर्फ फर्टिलाइजर, हाँ पैसे सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के, लेकिन पूरी इंडस्ट्री ने वो केसेस डाले हुए हैं, वो केस चल रहे हैं। तो उसकी अगर लाइकलीहुड मेरे से पूछेंगे ईफर्ट के लिए, तो मुझे तो 99% नहीं लगता कि उनके ऊपर एनविन प्लांट के ऊपर जीआईडीसी लगेगा, तो वो मुझे लाइकलीहुड उसकी बहुत ही माइन्यूट सी लगती है उसकी। दूसरा जो आपने पूछा कि प्राइसेस उसका, आपका जो था कि एंग्रो के पास कैश पड़ा हुआ है उसका बायबैक का, तो सर एंग्रो का बायबैक का एज इन अभी तक तो कुछ इंडिकेशन कंपनी ने दिया नहीं है, कोई नोटिस नहीं दिया, और मेरी मैनेजमेंट से जो बात होती है उससे भी मेरी कभी, खैरो डायरेक्टली इंडोर्स तो नहीं करेंगे इस चीज को, लेकिन अभी तक कोई मेरी एज सच मेरी नॉलेज में कोई बात नहीं, कंपनी कोई बायबैक कर रही है शेयर्स। नदीम साहब प्लीज गो अहेड। और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था माइक, बट शायद वो कोई एरर आ गया था, तो प्लीज माइक रिक्वेस्ट कर लें। नदीम साहब प्लीज। जी मैं ये पूछ रहा था कि ये एक सवाल आप भूल गए राहुल साहब, कि एनग्रो में कितने परसेंट शेयर मार्केट में फ्लोट कर रहा है, लकी में, इन सब कंपनीज में, आई एम ट्राइंग जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस कि इन सब कंपनीज में कितने परसेंट शेयर मार्केट पे कितने परसेंट ओनर्स के पास है, जो ये 60 बिलियन 80 बिलियन डिविडेंड रख के बैठे हो, मतलब है कि सारा शेयर तो ओनर्स के पास होगा, डिविडेंड सॉरी ये जो फ्लोट है फ्लोट तो बहुत कम होगा, तो फ्लोट कितना है। और दूसरी, व्हेन आई एम बाइंग एनग्रो व्हाट एम आई बाइंग, एम आई बाइंग जस्ट द फर्टिलाइजर या पावर एज वेल एंड फूड एंड थर्कोल, या सारे सेपरेट हैं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल बात है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कि हमें पता ही नहीं चलता हम खरीद के रहे हैं स्टॉक मार्केट में। सर एंग्रो से कंग्लोमरेट एज आई मेंशन अर्लियर,
एंग्रो एक कंग्लोमरेट है, अगर आप एंग्रो को बाय कर रहे हैं आप समझे कि आप फर्टिलाइजर भी बाय कर रहे हैं, आप केमिकल ईपीसीएल है वो भी बाय कर रहे हैं, आप जो उसका पावर का पूरा बिजनेस एंग्रो पावर जन वो पूरा अनलिस्टेड है अपार्ट फ्रॉम ईपीक्यूएल, वो एक कंग्लोमरेट है उसके अंडर ही सारी कंपनी आप उसको बाय कर रहे हैं। और रही बात सर आप फ्री फ्लोट की बात पूछ रहे हैं, उसके अंदर है सॉरी थर्कोल भी उसके अंदर है, हबको भी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हबको नहीं थर्कोल, थर्कोल में दो चीजें आती हैं, एक एक कोल माइनिंग है उसमें इनका 11% शेयर है, ये एसोसिएट है गवर्नमेंट ऑफ फिन के साथ, दूसरा है एंग्रो पावर जन थर लिमिटेड, वो उसमें इनका 50% स्टेक है, जो 660 मेगावाट का पावर प्लांट है, 330 के दो पावर प्लांट है जो, वो अलग है। इसके अलावा एंग्रो एक और जंपीर की साइड पे कोई आई थिंक कोई 200 या 300 मेगावाट का विंड एंड सोलर पावर प्लांट लगा रहा है, वो एक अलग चीज है, वो अभी अंडर क्या बोलते हैं डेवलपमेंट है, तो वो मे बी इन ईयर और सो वो भी ऑनलाइन आ जाएगा। ठीक है, और कितने तो सर परसेंट बाकी मार्केट में फ्लोट? सर इसका फ्री फ्लोट इज 55% एंग्रो का, लेकिन आई थिंक 57% 58% डाउ हरक्लीज ही ओन करते हैं, तो कोई 35-35% आपका मार्केट में इसका शेयर फ्लोट है। और रही बात सर डिविडेंड की, डिविडेंड कंपनी जो अपनी अनकंसोलिडेटेड जो अर्निंग है, जो रॉयल्टीज और डिविडेंड मिला के आती है, वो तकरीबन कोई 90-100% पे आउट कर देता है। ओके थैंक यू। अगर मैं नदीम साहब अगर देखो ना फ्री फ्लोट तो 55% एंग्रो का है, और दाऊद हरक्लीस का जो फ्री फ्लोट है मार्केट में वो 21% है, और एंग्रो में नॉर्मली एंग्रो ही बाय करके रखता हूँ क्योंकि एंग्रो में ईफर्ट है, फिर एंग्रो फूड्स फूड भी है, फ्रीसलैंड कंपनियां वो भी इनका जी बिल्कुल है, वो सोशल है और जी जी वो लकी में कितनी फ्लोट है? लकी नहीं है इनका, लकी इज आल्सो अ होल्डिंग कंपनी, लकी का लकी में कितना है? लकी का फ्री फ्लोट में है इन्वेस्टमेंट? लकी में कितना फ्री फ्लोट है? अच्छा यू मीन लकी का कितना फ्री फ्लोट है? From Engro, 35% और फौजी में उन्होंने बायबैक भी किया उन्होंने लकी ने। फौजी में कितना है जी? फौजी में सर मैं आपको बता देता हूँ, फौजी सीमेंट की बात कर रहे हैं आप? नहीं फौजी फर्टिलाइजर 55% सर, उसका भी 55% है, लेकिन वो सर वो 50-60% तो आपका पता है फौजी फाउंडेशन ही ओन करते हैं। ठीक ठीक थैंक यू। लून गाय भाई लूनर अस्सलाम वालेकुम। वाईक सलाम जी भाई। हाँ जी आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही। अच्छा मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, आई डोंट नो इसके ऊपर डिस्कशन हो गई है या नहीं हो गई, पर काइंडली अगर नहीं अगर हो भी गई है तो दो तीन जुमलों में बस इसका जवाब दे दें कि ये जो फ्लड है आया है उसका क्या यानी कि इफेक्ट होगा ई फर्टिलाइजर की अर्निंग या डिविडेंड पे आउट के ऊपर इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, बल्कि इन द करंट फिस्कल ईयर। और ये क्या बात है कि एंग्रो फर्टिलाइजर का इतना अच्छा डिविडेंड पे आउट है जबकि एफएफसी का हम देखते हैं कि बहुत ही डिसमल पे आउट है, इसकी क्या वजह है? थैंक यू सर। ईफर्ट जो है वो तकरीबन कोई 90-100% ही पे आउट कर लेता है, एफएफसी जो है उनकी पॉलिसी है कोई 82-83% पे आउट करने की, तो ये दोनों का पे आउट है अगर आप पे आउट वाइज बात करेंगे। दूसरा फंड अगर फ्लड्स की बात करेंगे सर, फ्लड्स का ऐसा कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज फ्लड्स जो आए वो ज्यादा सिंध एंड बलोचिस्तान साइड पे हैं, जो कि टोटल अगर आपका क्रॉप एरिया देखें वो कोई 30-35% है, और अपार्ट फ्रॉम दैट तो वो जो फ्लड उस टाइम पे आपका हार्वेस्टिंग हो रही थी, नॉट सोइंग नहीं हो रही थी, तो वो हार्वेस्टिंग का टाइम जो लॉसेस थे वो उनको हार्वेस्टिंग के टाइम पे हो गए, उसके बाद जो पानी निकला तो आपने जो रबी सीजन आपके सामने था तो रबी सीजन थोड़ा डिले से स्टार्ट हुआ, तो एज सच कोई डिमांड के ऊपर कोई एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ लेकिन ईफर्ट और एफएफसी का एक प्लांट जैसे ईफर्ट का एनवन प्लांट है वो 2 महीने के लिए मेंटेनेंस शटडाउन पे गया, तो उसकी वजह से थोड़ा अर्निंग इस क्वार्टर में भी थोड़ी थोड़ी कमाई थी, और इस जो करंट क्वार्टर है इसमें भी थोड़ी कमाई है, ऐसा नहीं कि ज्यादा कमाएगी लेकिन हाँ थोड़ी कमा सकती है। सही।
अदील साहब आपने पूछा था मैसेज में राइस का, राइस की तो बात नहीं की, एग्रो की, एग्रो फूड्स की बात की थी। नहीं राइस नहीं, का भी इनकी मैंने रिपोर्ट दी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइस का इनका बिल्कुल अनलिस्टेड है वो, राइस एक्सपोर्ट्स का है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वो, लेकिन इतना बड़ा कोई बिजनेस नहीं। तो इनका एलएनजी का भी बिजनेस है, वो मिनल का भी बिजनेस है, एंग्रो वो पैक टर्मिनल के साथ है, वो नेदरलैंड की कंपनी है, जेवी फॉर्म हुआ हुआ है, वो भी एक बिजनेस है। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस बहुत है, लेकिन अगर आप ओवरऑल बिजनेस मेन बिजनेस पे फोकस करेंगे ना, तो वो है एंग्रो फर्टिलाइजर है, एंग्रो पावर जेन है कादरपुर, एंग्रो पावर जेन थर है, उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं एंग्रो पावर जो ये जो ईपीसीएल है तो वो आपका है, एंग्लो पॉलीमर जिसको हम कहते हैं, राइस का बिल्कुल एक्सपोर्ट्स का इनका बिजनेस है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ओवरऑल एंग्रो आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली इसकी स्टॉक प्राइस जो है वो इतनी मूव तो नहीं करती, एक रेंज बाउंड में ही होती है, लेकिन अभी तो इसने तकरीबन कोविड वाले लोज लगा लिए हैं, 227 पे शायद था। हाँ सर, वो मैंने जैसे पहले ही अर्ज किया, उसका रीजन यही है कि वो कोई क्लेरिटी नहीं है ऑन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब करेंगे, वो कहते हैं हम करेंगे लेकिन करते नहीं है सच। तो ऊपर इन्वेस्टर्स का यही है कि यार अब अगर इतनी यील्ड देखनी है तो हम इसे चाहे ईफर्ट के अंदर ज्यादा एक्सपोजर ले लें, उसकी यील्ड से काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू उसकी यील्ड। सही। अदनान साहब सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसे 26 ऑफ नवंबर डेट दी है खान साहब ने, तो नेक्स्ट वीक में कुछ फर्टिलाइजर के जो शेयर्स है उसको आप थोड़ा सा नीचे आता देख रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से? थैंक यू सर। देखें वो तो पॉलिटिकल नॉइस, अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो फर्टिलाइजर क्या पूरी मार्केट इस पर रिएक्ट करती है, लेकिन फर्टिलाइजर थोड़ा इम्यून होते हैं बिकॉज वो यील्ड उनकी अच्छी है, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग यार चलो ठीक है यहाँ से अगर 10% की और भी करेक्शन आती है तो हमें यील्ड और बेहतर मिल जाएगी, तो उसको वो आपके समझे कि वो अगर प्रायोरिटी लिस्ट होती ना सेलिंग की, उसमें जो सबसे नीचे अगर आप कहेंगे या उससे थोड़ा ऊपर तो वो फर्टिलाइजर होते हैं, बिकॉज इनकी यील्ड बहुत अच्छी है, ग्रोथ है सच कंपनीज के अंदर नहीं है कि अर्निंग यही देंगे, लेकिन यील्ड अच्छी है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया 20-21% की यील्ड है, और आपका अभी अभी अगर आप 3 या 6 महीने का भी अगर टी बिल का रेट देखते तो वो 15.5-16% का है, तो आपको उसके ऊपर भी 3-4-5% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि अगर एक साल का अगर आप व्यू लेके चलते हैं, एक साल के बाद जब अगर आप ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट भी अज्यूम कर रही है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, अगर 13% फॉर इंस्टेंस अगर एक साल के बाद डाउन द रोड फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम हेयर अगर इंटरेस्ट रेट आपके 12-13% के रहते हैं, तो आपके पास 18-20% की यील्ड अगर होती है फर्टिलाइजर की, मतलब आप नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट है जो आप PIBs में या टी बिल में रखेंगे उससे आप कोई 7-6% 5% ज्यादा ही कमा रहे हैं। तो अगर आपको इस कोई पॉलिटिकल टर्मोइल में अगर कोई अनसर्टेनिटी पॉलिटिकली होती है इसमें अगर आपको नीचे मिलते हैं यहाँ से कोई 5-10% की करेक्शन तो वो एक अच्छा पॉइंट बनता है बाय करने का फर्टिलाइजर। राहुल भाई ईफर्ट की जो डिविडेंड यील्ड है हिस्टोरिकली काफी अच्छी होती है 20+ या इस तरह, अभी मैं उसको देख रहा हूँ 16.5 पे है, तो इसकी आप डिविडेंड यील्ड कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में, ये सर, और नीचे जा सकती है या इम्प्रूव होगी? नहीं ऊपर जाएगी सर, इसमें हुआ ये था आपको याद होगा गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स लगाया था 10% का, तो वो सुपर टैक्स की वजह से इनकी जो सेकंड क्वार्टर था ना जून वाला उसमें अर्निंग जीरो हो गई थी, हम कोई अगर नॉर्मलाइज अर्निंग और टैक्स हटाए तो 5.5 रुपए की अर्निंग थी, तो कंपनी ने वो 5.5 का डिविडेंड दिया नहीं क्योंकि उनको टैक्स पे करना था, क्योंकि उनके पास पुराने डेफर टैक्स भी पड़े हुए थे तो उसके ऊपर भी इन्होंने हिट लिए। तो अगर सर एंग्रो का अगर ईफर्ट की आप बात कर रहे हैं पिछले में अगर पिछले 8-9 क्वार्टर की बात करो तो एंग्रो ने कोई आपको 32-33 रुपए आई थिंक 35 रुपए पे किए जितना मुझे याद आ रहा है, एंग्रो ने 35 रुपए पिछले कोई 2-2.5 सालों में पे किए हैं और अगले 2 सालों में अज्यूम कर रहा हूँ कोई 30 रुपए मिनिमम ये पे कर लेगा आपको, तो ईफर्ट की डिविडेंड नहीं अच्छी है क्वार्टर में, थोड़ा मे बी आपको थोड़ी डिप्रेस लगे जैसे रीजन मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वो इनका जो एनविन का जो मेन प्लांट है जो 1.75 मिलियन टन कैपेसिटी का है वो 2 महीने के लिए शटडाउन पीरियड पे है, मेंटेनेंस शटडाउन पे, वो नवंबर में ऑनलाइन आ जाएगा,
तो मे बी इस क्वार्टर में कोई आपको 3-3.5 रुपए का डिविडेंड नजर आए, लेकिन उसके बाद आपको अच्छा डिविडेंड नजर आ सकता है। सही। अच्छा, एफएफसी का डिविडेंड यील्ड तो ठीक है, बट एफएफबीएल क्यों नहीं डिविडेंड्स वगैरह देता? एफबीएल की एक एक दो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मीट लिमिटेड के नाम से हैं। दोबारा बताइए, जो आपकी आवाज पॉज हो गई थी, दोबारा प्लीज। अमेरिका वो उनकी दो सिग्नल नहीं आ रहे राहुल भाई। राहुल आवाज नहीं आ रही आपकी। राहुल डिस्कनेक्ट किया, दोबारा कनेक्ट करते हैं। अगर किसी का और क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री टू आस्क फॉर माइक। लेफ्ट साइड में नीचे आइकॉन है माइक का, प्लीज क्लिक ऑन दैट। अस्सलाम वालेकुम। जी वाकसलाम जी किशोर भाई, आजकल ये ट्विटर पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो है ईयर 2000 मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शो करने के लिए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालने कंपनी होगा ना कि आपने अगर 2000 में इन्वेस्टमेंट की थी तो आज उसका क्या रिटर्न बन रहा है, इस तरह लॉन्ग टर्म चार्ट्स को अभी लोग देखना शुरू कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी अगर एक स्पेस रखें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी के ऊपर तो नेक्स्ट सैटरडे के लिए तो वो भी काफी अच्छा रहेगा, एक सजेशन। जी हम प्लान कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, शायद अगले हफ्ते हम प्लान कर रहे हैं एक ओपन डिस्कशन का, वहाँ पे हम इनवाइट करेंगे फराज भाई को टू टॉक अबाउट टेक्निकल्स एंड देन अमार भाई को अबाउट फंडामेंटल्स, और वहाँ पे हम एक ओपन डिस्कशन रखेंगे अपनी टू टॉक अबाउट फेलियर सक्सेस और इस तरह जो भी ओपन क्वेश्चन होंगे उस पे एक सेशन करेंगे अगले हफ्ते। राहुल भाई आप जरा बोल सकते हैं? जी आवाज आ रही है आपको सर? जी जी, आपका ना ब्लैक लिस्ट कर दें ये वाला कनेक्शन अगर इंटरनेट कंपनी का जो है। अच्छा, फातिमा फर्टिलाइजर का किस तरह व्यू है आपका? सर फातिमा का डिविडेंड कम देता है, वो डिविडेंड बहुत ही कम देता है, अगर जैसे 7 रुपए की अर्निंग है तो आपको 2.5-3 रुपए का डिविडेंड दे देगा, तो वो क्योंकि उनका पॉलिसी ये है ओवरऑल तो वो डिविडेंड कम देते हैं, तो ये क्या। दूसरा एफएफबीएल की आप बात कर रहे थे, एफएफबीएल डिविडेंड क्यों नहीं देता सर, उसके 2-3 रीजन है जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सर। एक तो इनकी इन्वेस्टमेंट्स जो की हुई है वो बड़ी लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक तो आपका फौजी फूड्स के नाम से कंपनी एफएफएल, दूसरी अनलिस्टेड कंपनी एफएमएल, तो ये दोनों लॉस मेकिंग कंपनीज है बहुत अच्छा खासा, कोई इन्होंने कोई एक एक कंपनी ने कोई 7-8 अरब रुपए पिछले 2-3 साल में कोई लॉसेस किए हैं जो इन्होंने कंपनी ने दिए हैं, लोन्स राइट ऑफ हुए, पहले वो एक्विटी में कन्वर्ट हुए फिर उसकी इम्पेयरमेंट आई, उसके अलावा एफएफएल ने राइट इशू किया था कोई 5 अरब रुपए का तो वो उन्होंने दिए, तो वो उसमें पैसे भी ज्यादा देते हैं। दूसरा जो ये इनका खुद का जो बिजनेस है ना वो भी ज्यादा मार्जिन बेस्ड बिजनेस है, क्योंकि ये फॉस एसेट जो है बाहर से पीएमपी मोरक्को इनकी कंपनी है वहां से वो इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं, तो अगर इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जाती हैं ज्यादा और फॉस एसेट की इतनी ज्यादा नीचे नहीं जाती तो फिर उसके मार्जिन भी प्राइमरी इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये रीजन है कुछ के जिसकी वजह से वो एफएफबीएल उस तरह से एफएफसी और ईफर्ट की तरह से डिविडेंड नहीं देता या अर्निंग इतनी कंसिस्टेंट नहीं है। सही सही। शयान शयान जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुझे भी एफएफबीएल के हवाले से पूछना था क्योंकि इनका लास्ट क्वार्टर गया उसमें इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था, तो इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है एफएफबीएल का, मतलब इस प्राइस पे अभी क्योंकि डैप बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, अब आप 11-12 हजार का बैग बेचेंगे जबकि हिस्टोरिकली आप देखेंगे 3-4 हजार का बैग बिकता था, तो वो एक अपना कोर बिजनेस पे भी उन्होंने हिट लिया हुआ था। दूसरा मैंने जैसे बताया एफएमएल की एक इन्होंने एफएमएल का लोन था उसको एक्विटी में कन्वर्ट किया था उसके ऊपर इन्होंने इम्पेयरमेंट बुक की थी,
आप देखेंगे अदर एक्सपेंसेस इनके बहुत बड़े हुए थे, उस वजह से जो है वो इसने लॉस पोस्ट किया था इस क्वार्टर में। तो आगे जाके मुझे लगता है कि इसके ये हालात थोड़े कंटिन्यू ही रहेंगे, बिकॉज डैप के प्राइसेस बहुत ऊपर है, तो कोर बिजनेस वहां से स्ट्रगल करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एफएमएल और एफएफएल लॉसेस करते रहेंगे कुछ अरसे तक। तो आई बिलीव कि इस स्टॉक को इतना ज्यादा ना देखे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इससे अच्छा एफएफसी और ईफर्ड है। आप कौन सा पिक करेंगे? दो अगर पिक करें, द बेस्ट वन एंड द सेकंड वन। बेस्ट अगर बात करेंगे तो ईफर्ट है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो एफएफसी है। एफएफसी है, सही। मदसर जी, मेरा क्वेश्चन है राहुल से। पहले थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेटिव सेशन। अच्छा, मेरे बेसिकली दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला तो मेरा क्वेश्चन है कि जो एफएफसी है उस पे जो फौजी फौजी फूड्स है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, उनकी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होल्डिंग है उस कंपनी में? और दूसरा जो मेरा जी क्वेश्चन है, जी, जी 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 बताएं बताएं। हाँ, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि ईफर्ट का जो, जैसे आप कहते हैं उसकी पे आउट रेशियो जो है वो क्लोज टू 100%, तो अगर वो सारा कुछ वो है वो डिविडेंड की फॉर्म में दे देते हैं तो उसमें फिर जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो निग्लिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए रहता ही नहीं है। तो व्हाट अबाउट फौजी फर्टिलाइजर, अगर वो 100% पे आउट नहीं कर रहे तो उसमें कोई चांसेस हैं कि वो कोई एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ले सकते हैं फर्टिलाइजर से बाहर भी, और वो फिर ग्रोथ के चांसेस भी उसमें थोड़े ज्यादा होंगे? डिविडेंड यील्ड में भी थोड़ी कम होगी लेकिन ग्रोथ जो है वो उसके एक चांसेस रहेंगे। सही सर, पहले तो एफएफसी की अगर बात करूं तो सर देखें, एफएफसी का जीआईडीसी का जो अमाउंट है वो 64 मिलियन बिलियन रुपीज का कोई है, 64-65 बिलियन का। तो इनके पास कोई कैश पड़ा हुआ 90 बिलियन का, तो कैश तो इनके पास है अच्छा खासा, ठीक है ना? तो री इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल चांसेस तो हैं, लेकिन अभी तक कहीं की नहीं है। तो अगर आगे जाकर री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनका पे आउट भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो यील्ड जो फर्टिलाइजर पे हम देखते हैं यूजली यील्ड, तो यील्ड का फैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा एफएमएल नहीं, एफएमएल को एफएफसी बिल्कुल ओन नहीं करता। एफएफसी की इनडायरेक्ट होल्डिंग है क्योंकि एफएफसी जो है ना वो एफएफबीएल को ओन करता है कुछ सम एक्सटेंट, ठीक है ना? तो एफएफएल उसके तो उसकी वो सिस्टर कंसर्न हुई इन अ सेंस के वो एफएफबीएल की एसोसिएट है, और कोई 70% समथिंग वो एफएफबीएल ओन करता है, तो एफएफसी एफएफबीएल को ओन करता है, तो इनडायरेक्ट होल्डिंग है उसकी, तो उसके कंसोलिडेशन में उसका ऐसा इतना पार्ट होता नहीं है। जी ठीक है, क्योंकि वो शायद राइट इशू भी करेंगे जो फौजी फूड्स है। तो वो ठीक सारा एफएफबीएल के ऊपर, सारा जो भी इशू होता है वो एफएफबीएल के ऊपर होता है। शहरयार जी, बहुत शुक्रिया राहुल भाई अपना आपका टाइम निकालने के लिए। आपसे कोई एक सवाल ये था कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन दोनों में से ज्यादा कौन अट्रैक्टिव है इस वक्त, एफएफसी या एफर्ट? सर, अगर वैल्यूएशन वाइज बात करेंगे तो एफएफसी थोड़ा बेहतर है, ठीक है? जो अपसाइड है वो मेरा, अगर टारगेट बात करें तो 138 का टारगेट होगा, तो अपसाइड वाइज भी उसमें है, और दूसरा उनके पास कैश भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, तो वो कहीं री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो वो अगर वैल्यूएशन वाइज परस्पेक्ट बात करेंगे तो एफएफसी ज्यादा अच्छा है। यील्ड वाइज बात करेंगे कि यार आपको एक एक सिंपल रिटर्न चाहिए एवरी ईयर या एवरी क्वार्टर, तो ईफर्ट ज्यादा अच्छा है। सर, आपने एक और इससे पहले अभी आप बता रहे थे कि कैपेसिटी वाइज जो है वो एफर्ट है और ज़्यादा कैपेसिटी है कंपेयर टू एफएफसी, लेकिन क्या ये दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? क्योंकि जहाँ तक मेरी मालूमात है कि एफएफसी के पास जो है मार्केट शेयर ज़्यादा है कंपेयर टू एफर्ट। बिल्कुल सर, आप सही सही कह रहे हैं। ईफर्ड का देखे ना 275 की, और एफएफसी की 5 मिलियन टन की कैपेसिटी है, लेकिन में 2.5 मिलियन टन बेचते हैं। तो अगर मार्केट शेयर वाइज बात करेंगे तो एफएफसी सबसे बड़ा है, ठीक, क्योंकि उसका बेस जो प्लांट है ना ईफर्ड का वो पुराना प्लांट है, तो वो कभी भी 100% प्लस लेवल पे नहीं चलेगा, दूसरे को पूरी गैस भी एक टाइम पे, तो वो 2.1-2.2 मिलियन टन बना सकते हैं, ज्यादा बना सकते। कैपेसिटी वाइज इफर्ट बढ़ा है, लेकिन लेकिन और भाई आपकी आपकी आवाज बीच में बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आया। अगर हो सके तो एक दफा दोबारा रिपीट कर दें कंसाइज वे में, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी। अभी आवाज आ रही है आपको? जी, हेलो, ठीक ना?
हाँ तो मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईफर्ट कैपेसिटी वाइज ईफर्ट बड़ा है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो एसएससी की जो कैपेसिटी है वो 2.05 मिलियन टन की है, लेकिन वो 126-127% यूटिलाइजेशन लेवल पे चलता है, मतलब वो 2.5 मिलियन टन यूरिया बना के बेच सकते हैं। तो मार्केट शेयर वाइज एफएफसी बड़ा है, लेकिन कैपेसिटी वाइज ईफर्ट बड़ा है। अब ईफर्ट का जो बेस प्लांट है ना वो कोई आपका कोई 7.5 लाख टन का है, लेकिन वो 100% यूटिलाइजेशन लेवल पे नहीं चल सकता, वो पुराना प्लांट है। तो ईफर्ट जो मैक्सिमम एक साल में बना सकता है वो है आपका कोई 2.1-2.2 मिलियन टन एट दिस पॉइंट। अच्छा, और इससे पहले आप बता, आपने इससे पहले भी कैपेसिटी की ओवरऑल जिक्र कर रहा था, आपने बताया था कि तकरीबन 6.1 मिलियन टन जो है वो कैपेसिटी है और उतनी आसपास जो है डिमांड भी है फर्टिलाइजर कैपेसिटी टोटल जो है ना, टोटल कैपेसिटी है 6.35 मिलियन टन, और जी, और डिमांड डिमांड भी कुछ उतनी बताई थी आपने, 6.1 के करीब। सर सवाल सवाल मेरा ये है कि अगर हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा है तो अभी हमें क्या जरूरत पड़ रही है यूरिया इंपोर्ट करने की इस वक्त? अभी रिसेंटली जो न्यूज में आ रहा है कि जो आपकी इकोनॉमिक कमेटी जो है अपने जो यूरिया इंपोर्ट करने की जो थम्स अप दिया है, वो क्यों जरूरत क्यों पड़ रही है अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो? हाँ तो उसपे सर दो रीजन है, एक तो ये कि लास्ट ईयर ना जब यूरिया के प्राइसेस हमारे लोकली नीचे थे और इंटरनेशनल ऊपर थे, कुछ डीलर्स ने ना यूरिया स्मगल किया था, यहाँ से अफगानिस्तान भेजा था कोई 1.5-2 लाख टन, एक वो था। दूसरा ये कि सर हमारे पास जो दो प्लांट है ना, एक हो गया एग्रीटेक, दूसरा हो गया फातिमाबाद, ये जो दोनों है ना दूसरा वाला पुराना प्लांट, ये दोनों चलते हैं RLNG पे, गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज गैस देती है, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे पड़ते हैं इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट कभी कभार ये प्लांट चलाती है कभी कभार नहीं चलाती, तो इन दोनों की कैपेसिटी मिला के कोई 8 लाख टन के करीब है। ठीक है, तो वो एक है कि उसको कभी चला रहे होते कभी नहीं चला रहे, अभी चला रहे हैं बिकॉज अभी गवर्नमेंट को यूरिया की नीड है, LNG की सब्सिडी इतनी महंगी नहीं पड़ती जितना आपको यूरिया बाहर से मंगवा के महंगा पड़ेगा, तो वो प्लांट ऑन एंड ऑफ चलते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार चल रहे होते हर वक्त चल रहे होते, वो ऑन एंड ऑफ चल रहे होते हैं प्लांट। एक और सवाल पर्टिकुलरली जो एफर्ट की डिविडेंड यील्ड्स है, कि जैसे कि मैं इसकी अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं एफर्ट की, तो ऑलमोस्ट लास्ट 3 ईयर्स से जो है वो क्लोज टू 100% या अबव 100% उनका पे आउट है, लेकिन अगर आप उनकी बुक्स भी देखते हैं तो वो बुक्स पे भी काफी मतलब कि डेट कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो अगर वो पे आउट इतना कर रहे हैं और डेट भी उनके पास है, तो आगे किस तरीके से ये चीजें प्ले आउट होंगी? कि जारी बात है, इनको डिविडेंड तो डेफिनेटली कट करना पड़ेगा डेट पे आउट करने के लिए, या आप क्या किस तरीके से देखते हैं? सर कंपनी की कैश अर्निंग जो है ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग अर्निंग, ठीक है ना, तो क्योंकि एक डेप्रिसिएशन बुक हो रहा होता है, ठीक है, उसके अलावा दूसरे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो कैश अर्निंग कंपनी ज्यादा होती है, और दूसरा कंपनी जो है वो अपनी जो पे आउट है वो अपनी जो बेसिकली रीपेमेंट्स है उसको अकाउंट फॉर करके फिर ही पे आउट करते हैं, ऐसा इतनी ज्यादा इनकी लाइबिलिटी आपको ज्यादा नजर आ रही होगी, JDC की नजर आ रही होगी 14-15 बिलियन, उसके अलावा ऐसे कोई कंपनी के बुक पे इतनी ज्यादा कोई लाइबिलिटी है नहीं, पेबल खड़ी पेबल नजर आ रही होंगे, तो पेबल तो वो आपके पास इतनी इन्वेंटरी भी खड़ी होगी, तो इन्वेंटरी आप बेचेंगे तो आप पैसे दे देंगे, ये है। सर मेरा सवाल है, जी 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 मैं बोलूं जी जी बोले जी, मेरा सवाल फातिमा फर्टिलाइजर पे आपका क्या ख्याल है, क्योंकि उनकी काफी डिफरेंट कंपनीज भी हैं, सरसब्ज भी है फातिमा भी है, और अब पाकर आपके साथ मैंने नोटिस भी देखा कि वो मर्ज हो रहा है और कंपनी काफी डिफरेंट आपका उस तरफ भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, डाइवर्सिफाई करने पे जा रही है, तो उसका क्या आपका फ्यूचर आउटलुक है, क्योंकि उसमें इतना प्राइस एक्शन हमें दिया, वॉल्यूम दिखने को नहीं मिलता। सर उसके दो तीन रीजन है, एक तो डिविडेंड यील्ड की बात है, दूसरा जो आप अर्निंग्स की बात कर रहे हैं ना वो सीजनल अर्निंग्स है, और रीजन ये है कि जैसे मैंने बात की ना डैप उसकी जो एनपी और एनपी के जो उनका मेजर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है ना एनपी और कैन यूरिया, वो यूरिया और डैप के प्राइसेस से लिंक होते हैं, अब डैप के प्राइसेस ना कम हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो इनके प्राइसेस कम होंगे तो इनकी अर्निंग पे थोड़ी हिट आएगी। दूसरा जो फातिमा फर्टिलाइजर का जो पाक अरब और जो आप बात कर रहे हैं दाऊद हरगली, दोनों लॉस मेकिंग एंटिटीज है, ठीक है ना, तो इनका जब वो पहले से मर्ज हुए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मर्ज आज हो रहे हैं, वो मर्ज हुए हुए हैं पहले से, तो वो अगर कंपनी के आप अकाउंट्स देखेंगे ना पहले 2021 से पहले वो अलग दिखाते थे, लेकिन अब वो मर्ज हो चुके हैं, तो वो लॉस मेकिंग कंपनीज है, वो सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है, तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉसेस कम होते हैं, अदरवाइज वो लॉसेस नहीं होते एग्रीटेक की तरह, तो आगे जाके ना अर्निंग इनकी डिप करेगी, रीजन ये है कि वो डैप के प्राइसेस कम हो रहे हैं,
इंटरनेशनली, तो इनके जो मार्जिन है वो स्क्वीज होंगे, क्योंकि एनपी के जो प्राइस है वो डायरेक्टली डैप से लिंक होते हैं, वो सब्सिट्यूट है आपके डैप का, डाई अमोनिया फॉस्फेट का सब्सिट्यूट है एनपी, नाइट्रोजन फॉस्फेट। सही, जाहिर साहब मैं आपके पास आता हूँ, और उससे पहले कमोडिटीज स्टूडेंट, कमोडिटीज जी, हेलो आवाज आ रही? जी 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 जी, अच्छा जी, ये पूछना था जैसे एक्सचेंज रेट से डॉलर के बढ़ने से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या फर्क आता है, क्या ये कस्टमर को प्राइसेस पास ऑन कर सकते हैं, एक सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री ओवरऑल, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, जैसे आईटी इंडस्ट्री उसको डॉलर बढ़ने से फायदा होता है क्योंकि उनका एक्सपोर्ट बेस्ड है, तो ये फर्टिलाइजर का क्या है? सर फर्टिलाइजर डॉलर लिंक नहीं है, बिकॉज़ यूरिया हम लोकली बनाते हैं, गैस हमारी लोकल है, डैप एसएसबीएल के ऊपर है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्राइस से लिंक होता है, तो वो जितना प्राइस होता है वो पास ऑन कर लेते हैं, तो उनको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता इससे, तो डॉलर का बढ़ना कम होना इनके लिए काइंड ऑफ इररिलेवेंट है। ठीक है, शुक्रिया। जाहिर साहब पहले तो आप मुझे बताएं कि आपने एंग्रो के तीन कंपनी रखी हुई हैं, ईफर्ट, ईपीक्यूएल, ईपीसीएल, तो आप एंग्रो ही क्यों नहीं ले लेते? जी अस्सलाम वालेकुम खिदर साहब, उसमें खिदर साहब उसमें ऐसा है कि मुझे इंडिविजुअली जो है ना कंपनीज की परफॉर्मेंस और बेहतर लगती है, मैं डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे ये बेहतर लगता है, इंडिविजुअल शेयर मुझे बेहतर लगते हैं, उनको स्टडी करना मुझे बेहतर है, मैं एक ले मैन हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरे लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ना समझना वो इजी नहीं है, तो मुझे ये सिंपल सिंपल लगता है, ईपीक्यूएल या ईफर्ट इसको समझ लेना मेरे लिए इजी है, तो एक तो ये वजह, एक इसकी डिविडेंड यील्ड है। सेकंड, मैं राहुल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, काफी अच्छा उन्होंने नॉलेज शेयरिंग की है, माशाल्लाह काफी अच्छी ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर, और सेकंड खिजर साहब आप एक अच्छी मूव है आपकी, एक नॉलेज शेयरिंग में और वैल्यू एडिशन है सोसाइटी में, आई रियली अप्रिशिएट दैट वन। मेरा राहुल साहब से क्वेश्चन है कि कोई कमिंग डेज में या कमिंग ईयर में, सॉरी नॉट इन डेज, कोई फर्टिलाइजर प्लांट आ रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि एक आधी दफा मैंने सुना था कि ईफर्ट या एंग्रो शायद गोइंग टू एनहांस द कैपेसिटी और टू इंस्टॉल अ न्यू प्लांट। नहीं सर, कोई नहीं, सर कोई नहीं आ रहा, बिकॉज़ आपको नया फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए कोई 1.5 से 2 बिलियन डॉलर रुपए की नई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और पाकिस्तान की जैसे मैंने मेंशन किया, हमारी कैपेसिटी ओवर है अभी, कोई 6.3 6.4 मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी है, तो हम ये कोई 6.5 से ज्यादा मिलियन टन बना सकते हैं, और हमारी कोई डिमांड है 6.1 मिलियन 6.2 मिलियन टन की, तो ऐसा कोई अगले 5-6 साल में कोई नीड तो नहीं बनती है कि हम कोई नया प्लांट लगाएं यूरिया का स्पेशली। राइट, थैंक यू, शुक्रिया। राहुल भाई, अगर मैं देखता हूं कि कुछ लोगों ने मतलब अगर होल्डिंग है तो उसमें ईफर्ट की भी होल्डिंग है, एफएफसी की भी होल्डिंग है, तो आपके ख्याल में ये ठीक स्ट्रेटजी है कि डिवाइड कर दें टू फर्टिलाइजर कंपनीज में, या आपके ख्याल में एक में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसी में अगर डिप मिले तो और ले लेना चाहिए? नहीं सर, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी है, रीजन ये कि सर हर कंपनी के अपने डायनेमिक्स होते हैं, अपने कंपनी स्पेसिफिक बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, ठीक है, तो इट इज अ बेटर स्ट्रेटजी कि आप डाइवर्सिफाइड थोड़ा रहें, विद इन द सेक्टर भी आप थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहें, कि भाई कोई आगे जाके कोई इन्वेस्टमेंट अनाउंस होती है, एफएफसी कोई नई इन्वेस्टमेंट अनाउंस करता है तो एफएफसी के अंदर मूवमेंट आती है, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिले, और ईफर्ट तो ऐसे ही डिफरेंट स्टॉक है तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। सही, अच्छा फर्टिलाइजर का तो चलो हम अब टॉपिक क्लोज कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन जायद साहब का था, आप सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हैं, तो ओवरऑल आपका इंडिविजुअल के लिए क्या सजेशन है कि कितनी कंपनी में होल्डिंग होनी चाहिए, 5 में 10 में 15 में? सर फ्रेंकली स्पीकिंग मैं कहता हूँ पाकिस्तान के टॉप 5 से 7 स्टॉक्स देख लें, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रख लें, और अभी जो डिस्ट्रेस जितनी वैल्यूएशन है इसमें आप पिछले अगले कोई 5 साल तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट कोई 5 से 7 स्टॉक के अंदर रखें ना, जो ग्रोथ
लेड कंपनीज है, सिस्टम्स लिमिटेड हो गया, लकी हो गया, मीजान बैंक हो गया, डिविडेंड वाइज आपका ईफर्ट या एंग्रो हो या ये ऐसी कोई कंपनी हो गई, तो ये पांच से सात कंपनीज जो है ना, ये अगर आप रखें अगले 5 साल के लिए, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा अगले 5 साल के अंदर आपको अल्फा जनरेट होके होते हुए मिलेगा। आई मीन 5 साल या 2-3 साल के अंदर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा मेरे ख्याल से। तो 5 से 7 मिनिमम कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और वो एक सेक्टर से रेलिवेंट नहीं, बैंकिंग हो गया, उसमें सीमेंट्स हो गया, आपका टेक हो गया, तो ये सारे ऐसे स्टॉक्स जरूर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। सही 5-7 कंपनीज आर इनफ, 5 से 7 मिनिमम कंपनीज, बिल्कुल, मतलब इतना तो होना जरूर चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। सर और मैक्स, मैक्स सर आप मैक्सिमम कर लें 10 से ज्यादा नहीं, बिकॉज फिर वो बहुत ज्यादा फिर वो हो जाता है कि आप फिर कहते हैं यूनिटी भी ले लें, फिर आप और दूसरे साइड स्टॉक्स हैं, फिर उसके अंदर आप चले जाते हैं, तो फिर वो उसमें एक शॉर्ट टर्म आपको स्पाइक जरूर नजर आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप लूज ही कर रहे होते हैं उसके अंदर। जी, और अभी आपके ख्याल में अगर मैं 5 सेक्टर पिक करता हूं, तो अभी आपने बताया भी है, अगर रिपीट कर दे उनको कि कौन से 5 सेक्टर में मुझे एक एक बेस्ट पिक ले लेनी चाहिए। बैंक्स हो गया, बैंक्स क्योंकि जितनी डिस्ट्रेस वैल्यूएशन है तो बैंक्स तो बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं एट दिस पॉइंट टाइम फॉर न्यू एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट, बैंक्स हो गया, ठीक है। सीमेंट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे देखें सस्ते हैं, लेकिन आगे जाके थोड़ा मे भी थोड़ा और ये नई कैपेसिटीज आ रही तो उसमें थोड़ा बहुत मे भी थोड़ा हीट फील हो उनको, अदरवाइज तो सीमेंट भी अच्छे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख रहे हैं टेक में सिस्टम्स बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये 5 जी। तो इसके अलावा फर्टिलाइजर आपके सामने है, फर्टिलाइजर आप देख सकते हैं बिल्कुल, और कंस्ट्रक्शन स्पेस में तारे ग्लास करके कंपनी आप वो भी जरूर देख सकते हैं, केमिकल स्पेस में आप देख सकते हैं ICI हो गया, इन दैट केस वो लिक्विडिटी के शो है, EPCL हो गया, तो वो कंपनीज हैं कुछ आप जरूर देख सकते हैं। अभी केमिकल सेक्टर की कुछ नेगेटिविटी थी और हमने देखा EPCL नीचे गया, सर वो मार्जिन का है सर, उनके मार्जिन होते हैं बेसिकली, पीवीसी एथिलीन के मार्जिन होते हैं इंटरनेशनली, वो क्योंकि वो चाइना के लॉकडाउन और से बड़ा इम्पैक्ट हो रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इनके मार्जिन देखेंगे वो $550 के, अभी 360 के अराउंड चल रहे हैं, तो वंस वो रिवाइव होते हैं और डिमांड भी रिवाइव होती है तो एक अच्छा आपको वो स्पाइक नजर आएगा EPCL के अंदर। सही राहुल भाई, आप ना अभी थोड़ा सा समराइज करें क्योंकि बीच में इंटरनेट का इशू रहा है हमें, तो इस थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि मैं फर्टिलाइजर इज अ एवरग्रीन सेक्टर जो कि हमेशा लोगों के पास होता भी है, इतना इसको मार भी नहीं पड़ती ना, ये मतलब एक्साइटमेंट में नहीं आता ये सेक्टर, थोड़ा सा हम्बल वे में ये चलता है, ना गिरता है ना ऊपर जाता है, डिविडेंड अच्छे देता है। तो लेट्स से कि आई हैव वन पिक फ्रॉम फर्टिलाइजर सेक्टर एंड आई विल ऑलवेज कीप इट, बट मे बी मैं उसके स्विंग प्ले कर लूं, थोड़ा सा बेच दिया फिर नीचे ले लिया, तो कौन सी चीजें इस सेक्टर में मुझे देखनी चाहिए जो पॉजिटिव हैं, कौन सी हूं और दोज मेरे लिए रेड फ्लैग होना चाहिए। अगर आप इस तरह एक चेकलिस्ट हमें बताएं कि एज ए इन्वेस्टर इन द फर्टिलाइजर सेक्टर आप लोगों को ये 4-5 चीजों पे नजर रखनी चाहिए, ये 4-5 चीजें या 2-4 चीजें जब पॉजिटिव हूं आपको बाय करना चाहिए, या कब आपको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना चाहिए एक्सपोजर, तो अगर आप थोड़ा सा समराइज कर दें इसको। सर इसमें मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। एक तो सर सबसे पहले तो आप अपने कंट्री के इंटरेस्ट रेट के ऊपर जरूर नजर रखें कि अगर वो नीचे जाते हैं तो फर्टिलाइजर आपके लिए और एक अच्छा वैल्यू एडिशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, वो सबसे पहले आपको देखना होगा। लेवरेज्ड है ये भी कंपनी, नहीं लेवरेज यील्ड है ना, यील्ड है ना, अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ से 10% के होते हैं तो ये डबल रिटर्न दे रहे हैं, तो आपके लिए इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी ना, फिर स्टॉक परफॉर्मेंस भी आपको नजर आएगी ना, तो एक ये हो गया। दूसरा आप इंटरेस्ट रेट, जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा और इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। ओके बिल्कुल, तो एक ये हो गया। दूसरा सर GIDC के ऊपर न्यूज को जरूर आप फॉलो करें कि कोर्ट की हियरिंग कैसे चल रही है, कोई GIDC के ऊपर कोई न्यूज आती है तो वो जरूर फॉलो करें,
क्योंकि जीआईडीसी सेक्टर के ऊपर काफी अच्छा खासा इनका पेएबल खड़ा हुआ है, जीआईडीसी का टोटल मिला के कोई सेक्टर का 100 बिलियन से ऊपर का कोई पेएबल है, ठीक है, तो वो आप जरूर देखें, जीआईडीसी का जरूर देखें उस पर डेवलपमेंट क्या होती है। तीसरा, ओवरऑल यूरिया का क्रॉप के प्राइसेस, हमारे कमोडिटी के प्राइसेस बड़ा मैटर करते हैं यूरिया के लिए, कि यार यूरिया के प्राइसेस डिटरमाइन करने के लिए यूरिया के प्राइसेस कैसे चल रहे हैं। और उसके अलावा जो लास्ट फैक्टर है वो गैस के प्राइसेस हैं, कि गैस के प्राइस गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो यूरिया के प्राइसेस बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे बीच में था कि गवर्नमेंट वैकॉक इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसके ऊपर कोई यूरिया के प्राइसेस, कोई आपका गैस के प्राइसेस फीड के ऊपर कोई 80-85% का इम्पैक्ट था और फ्यूल के ऊपर कोई 100-103% का इम्पैक्ट था, तो वो उस पर मतलब 400 रुपये यूरिया के प्राइस को बढ़ाने थे अगर वो गैस बढ़ती है तो वो आपको मॉनिटर करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है कि यार अगर गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्या यूरिया के प्राइसेस पैरेलल बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। सही, तो तीन चीजें आपने बताई, इंटरेस्ट रेट्स, जेआईडीसी और क्रॉप्स की प्राइसेस और गैस के प्राइसेस, और गैस की प्राइसेस किस तरफ जा रही। जी जी जी, अक्षय आपने अभी ज्वाइन किया पार्टी तो प्लीज गो अहेड। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा सेशन किया राहुल भाई आपने। मेरा एक सवाल था, जैसे अभी हम देख रहे हैं, हमें अभी हमने रिसेंटली यूरिया इंपोर्ट किया है, ओवरऑल कैपेसिटी हमारी जितनी है उस हिसाब से जो हमारी ऑफ टैक्स है वो थोड़े बहुत कम है, तो कोई कैपेसिटी की इन्हांसमेंट आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम आगे फ्यूचर की बात करें, आने वाले 2-3 सालों में हमारा जो क्रॉप वाला लैंड है वो भी एक मतलब स्टैटिक अमाउंट है कि भाई हाँ इतने ही लैंड में हमारी क्रॉप होती है, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता जा रहा है, कमोडिटी की प्राइसेस हम देख रहे हैं ऊपर जाती जा रही है, तो कोई ऐसी कैपेसिटी की इन्हांसमेंट आप देख रहे हैं किसी भी मतलब प्लांट्स में, या फॉर कोई एक्सपोर्ट की कोई इंटेंशन किसी मतलब कंपनी के हवाले से कोई ऐसे आ सकती है नियर फ्यूचर में? यार कैपेसिटी अक्षय भाई हमारे पास एम्पल कैपेसिटी है, कोई 6.4 मिलियन टन की हमारे पास कैपेसिटी, और हम एट मैक्स कोई तकरीबन कोई 6.5-7 मिलियन टन बना सकते हैं अगर सारी कैपेसिटी हमारी चलती रहे तो। तो अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट इंपोर्ट किया वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर हमारा स्मगल हुआ था और आर्मी बेस प्लांट को हमने गैस इनिशियली दी नहीं थी चलने के लिए, और अभी जो है मैंने जैसे एक्सप्लेन किया ईफर्ट का एनवन प्लांट जो है वो भी 2 महीने के लिए वो मेंटेनेंस शटडाउन पे गया हुआ है, और एफएफसी का भी एक प्लांट मेंटेनेंस शटडाउन पे गया हुआ था, तो उसकी वजह से हमारे इस बार इशू हुए हैं, अदरवाइज तो कोई नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं, और नया प्लांट लगाने के लिए हमें कोई $1.5-2 बिलियन रुपए की नीड पड़ेगी, तो वो ना गवर्नमेंट के पास इतना फिजिकल स्पेस है कि उनको फैसिलिटेट करें, ना कोई आपका कोई बिजनेस मैन होगा जो इस टाइम पे जाके फर्टिलाइजर का प्लांट लगाएगा, गिवन द फैक्ट कि आप पहले ही एक एडिशनल सरप्लस कैपेसिटी के साथ बैठे हो। जी जी, एक सही है वो, ओके। और एक और सवाल था मैंने, जैसा कि आपने प्रीमियम की बात की 2100 रुपए आपकी यूरिया की बोरी जो है आपको कंपनी से मिल रही है, और 2600-2700 जो आपसे नॉर्मल डीलर जो है वो सेल कर रहा है, तो जिसका जो मुझे यहाँ तक इसकी नॉलेज थी वो ये थी, क्योंकि डीएपी का और यूरिया का दोनों का जो एक पैकेज होता है कि कंपनी सेल करती है कि अगर आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डीएपी उठाएंगे तभी आपको हम यूरिया देंगे, तो वो डीलर क्या कर रहे हैं कि अपनी डीएपी की इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए उस पर थोड़ा मार्जिन नीचे करके यूरिया पे अपना मार्जिन बढ़ा रहे हैं, तो शायद ये मतलब पॉसिबल रीजन है इसका, कि क्या आपने इस पे बात नहीं की, आपने शुरू में किया था तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा इस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी वन ऑफ द रीजन है कि आप कंपनीज डीलर को डैप महंगा ले रही है और मार्केट में डैप सस्ता है, तो ये अभी हुआ है, लेकिन पहले से प्रीमियम तो ये मार्केट में था कि भाई वो डीलर महंगा बेच रहे थे यूरिया को, तो एक डीलर्स को एक अच्छा रूम मिल गया बेचने का तो वो डीलर महंगा बेच रहे, तो 2-3 रीजन है, एक तो वन ऑफ द रीजन ये भी है कि वो डैप जो है वो सस्ता बिकता है मार्केट में एज कम्पेयर टू जो कंपनी देती है इनको, तो उसकी वजह से उसके लॉस को कवर करने के लिए डीलर थोड़ा महंगा यूरिया बेच रहे। सही, ओके, यही 2 सवाल थे मेरे, तुम बस, थैंक यू सो मच, वेरी गुड सेशन फ्रॉम यू। थैंक यू राहुल भाई, एक क्वेश्चन है, ये हमारे शेडी भाई हैं जेम्स बॉन्ड 007, ये पूछ रहे हैं कि जब फर्टिलाइजर की प्राइसेस ग्लोबली बहुत हाई होती हैं तो क्या हमारा जो सेक्टर है, हमारी कंपनीज हैं, ये एक्सपोर्ट करके उससे कुछ एडवांटेज ले सकती हैं? सर यूरिया एक्सपोर्ट करना अलाव ही नहीं आपको सर, क्योंकि आप कंसेशनरी गैस दे रहे हैं कंपनीज को, तो वो आपकी लोकल डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपने इंसेंटिव दिया हुआ है इंडस्ट्री को, आपको एक्सपोर्ट करना बैन है, एक्सपोर्ट कंपनीज कर ही नहीं सकती। 2016-17 में लास्ट कंपनी ने एक्सपोर्ट किया था कोई तकरीबन 6 लाख टन, तब उस टाइम उनके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हो गई थी, तो उसके बाद कोई कर ही नहीं सकता, एक्सपोर्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर आपके।
और जब हम न्यूज पढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इंपोर्ट अलो किया, उसका इस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है या नेगेटिव आता है? डीएपी मंगवा रहे हैं कंपनी की, डीएपी तो सर डीएपी तो आपका इंपोर्ट ही है ना, डीएपी क्योंकि आप लोकल सिर्फ 30-40% बनाते हैं, बाकी 60% आप इंपोर्ट ही करते हैं क्योंकि आपके पास प्लांट एक ही है ना डीएपी बनाने का, वो है फर्जी फर्टिलाइजर भी इनका, उसके अलावा और कोई तो लोकल डीएपी बनाता नहीं इनका, ठीक है? तो ये के आपका ये के वो आप डीएपी तो इंपोर्ट करते ही हैं, लेकिन यूरिया का सर इंपोर्ट आप करेंगे तो आपकी लोकल सेल्स भी थोड़ी कम होगी ना। सही, तो फर्क पड़ेगा जब यूरिया इंपोर्ट होता है तो? नहीं सर, अभी अभी इस टाइम पे नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि वो दो प्लांट तो ऑफलाइन गए हुए हैं, तो वो इस और अगले क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट तो पड़ गया, तो उसके अलावा तो कोई ऐसा अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप फ्यूचर में जाके और इम्पोर्ट करती है तो इनकी सेल्स थोड़ी बहुत अफेक्ट हो सकती है। सही सही, हाफिज भाई आए हैं अभी, शायद इनका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं भी एक क्वेश्चन करूंगा। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रिजा भाई, कैसे हैं? ठीक है राहुल साहब? जी 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 सर, हाफिज भाई बाद में आता हूं। ओके राहुल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जबरदस्त आपने फर्टिलाइजर सेक्टर को एक्सप्लेन किया। बस मेरा एक ही सवाल था कि ये जितने भी फर्टिलाइजर के मेजर प्लांट्स हैं, इनकी जो सोर्स आ रही है गैस, बेसिकली गैस है जिसे जो यूज होती है, तो वो गवर्नमेंट के कौन से जो है ना, गवर्नमेंट के प्लांट से, एक ही प्लांट से आ रही है इन सबको सोर्स मिल रही है, या गवर्नमेंट ने कोटा कोटा बांटा हुआ है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जब ये मेंटेनेंस शटडाउन पे प्लांट जाते हैं तो जो उसकी पीछे से जो सोर्स आ रही है उधर भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उसकी कंजप्शन कम हो जाएगी। सिर्फ यही मेरा एक सवाल है। सर जो मेजर फील्ड है ना वो है मारी, ठीक है, मारी की फील्ड है, उसके बाद एसएससीसी और एसएनजीपीएल को जो गैस मिल रही होगी ना, तो ये मेजर आपको, लेकिन मेजर फील्ड है मारी है। ईफर्ट और एफएफसी को किससे जा रही है सर? सर वो डिफरेंट एमएमसीएफटी होती है, वो आपको मारी की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाता है क्योंकि जो जो उनकी कहां से उनको मेजर गैस मिल रही है और कितनी मिल रही है। ठीक है ठीक है, थैंक यू राहुल भाई। लेकिन मेजर जो आप बड़ा है ना, मेजर कौन सा सप्लायर तो मारी है। जी बड़ाई साहब। जी मेरा सवाल राहुल साहब से है कि हम एफएफसी और ईफर्ट को एज ए पेंशन प्लान के तौर पे मंथली अपनी कुछ सेविंग करके एक मंथ खरीद सकते हैं, एसआईपी जिसे हम कहते हैं, टू कीपिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन माइंड एज ए इन्वेस्ट रिटायरमेंट प्लान। सर देखें, अगर आपको मंथली या क्वार्टरली आपको एक सर्टेन अमाउंट की नीड होती है आपके वर्किंग कैपिटल के लिए, आपके घर के खर्चों के लिए, तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, लेकिन अगर आपको रिटर्न चाहिए लॉन्ग टर्म रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म में अल्फा जनरेट करने के लिए, तो वो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, वैसे सिस्टम्स इन दैट केस हो गया, मीजान बैंक हो गया, लकी सीमेंट हो गया, जो डिविडेंड ऐसा जितना नहीं देते लेकिन उनकी ग्रोथ और प्राइस परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है, तो वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो अलग बात है कि आपको रिटर्न चाहिए क्वार्टरली या मंथली, कि आपको यार अपने जैसे लोग बैंक में पैसे रखते हैं तो उनको मंथली रिटर्न चाहिए होता है कि यार इससे मेरे घर का इतना खर्चा एक्स परसेंट खर्चा चल जाता है, तो वो उसके लिए बिल्कुल आपको फर्टिलाइजर पे रखना चाहिए। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट है कि यार आपको रिटर्न चाहिए एब्सोल्यूट टर्म्स में, वो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं, तो फिर दूसरे स्टॉक्स हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं। उसमें कैसा क्या मंथली रिटर्न चाहिए एज ए पेंशन पेंशन फंड या पेंशन सर? उसके लिए फर्टिलाइजर हो गया, कुछ बैंक्स हो गए वो बड़े वेल प्लेस्ड हैं, यूबीएल हो गया इन दैट केस, एमसीबी हो गया, तो वो बड़े वेल प्लेस्ड हैं, वो डिविडेंड क्वार्टरली देते हैं। राइट, थैंक यू थैंक यू। जैसे मैं क्लोज करने लगता हूँ क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। अक्षय भाई आपका एक क्वेश्चन है। जी जी राहुल भाई से एक क्वेश्चन था। राहुल भाई, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि इफर्ट की अर्निंग जो है आप देख रहे हैं कि इतनी कम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी जो प्लांट का शटडाउन का टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अभी आप देखें तो अभी डिमांड ऊपर जाती है, और जो एनएफडीसी की डेटा के हिसाब हम देखें पिछले कुछ मतलब सेप्टेम्बर की एंड वाला जो डेटा हम देखें तो उसमें 53,000 टन जो यूरिया है वो इन्वेंट्री इफर्ट के पास थी, तो ये 53,000 तो एक पीनट्स के हिसाब से माने जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इस हाई सीजन में तो कम मेजर उनका पोर्शन यूरिया से ही आता है सिंपली, तो आप ये जो अर्निंग्स कम गिरने का जो देख रहे हैं इसके पीछे कोई रीजनिंग अगर आप दे सके या कोई अंडरस्टैंडिंग आप बिठा सके, मतलब कम होगी लेकिन थोड़े मार्जिन से कम क्यों होगी, मतलब पीछे क्या रीजन है, क्योंकि इन्वेंट्री भी आपके पास थोड़ी है,
आपका मेजर पोर्शन आपका उस इन्वेंट्री से ज्यादा यूरिया की से, और आपकी जो डिमांड है वो भी अभी सीजन भी हाई है और उसमें आपका प्लांट भी बंद है, नई प्रोडक्शन आ नहीं रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ा यार उसके दो तीन रीजन है। एक तो आपका सिर्फ एनविन प्लांट बंद है जो मेजर प्लांट है, उसके बाद बेस प्लांट आपका चल रहा है। बेस प्लांट कोई 7.5 लाख टन साल का, मतलब कोई आपका 60-70 हजार पर मंथ वो भी बना देता है, ठीक है। दूसरा आपका डैप जो बिकता है ना, डैप इस टाइम पे ना आपने पुराना, इन्होंने कोई अप्रैल मई में डैप लिया होता, कोई इसकी कॉस्ट होगी 6.5-7 हजार रुपए, ठीक है। तो वो अभी आप बेचेंगे 10 हजार रुपए का इवन बेच रहे हैं, 8.5-9 हजार का बेचे, तो उसके ऊपर मार्जिन भी अच्छा मिल रहा होता। तो वो दो तीन चीजें जो है वो कवर करेंगी आपके मेजर जो आपका जो मेंटेनेंस शटडाउन है, जो यूरिया की सेल्स कम होगी तो उसको वहां से कवर अप करेगी। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। कमोडिटी जी, ये पूछना था कि जैसे IMF बोल सकता है कि भाई इनके कंसेशन का खत्म करें, इनको सब्सिडी पे गैस ना दें, तो सब्सटेंशियली क्या गैस प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं? सर गैस प्राइसेस बिल्कुल ECC ने अप्रूव किया था, वो कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया था, अगर वो इंक्रीज होती है तो पास ऑन कर लेंगे। और फर्टिलाइजर के ऊपर अभी कोई GST भी नहीं है, कोई GST भी IMF कहता है कि एडिशनल टैक्सेस में आप GST लगाएं फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर, आपने GST एग्जाम किया हुआ तो वो आप हटाएं, तो अगर वो GST लगाते हैं 5%-10% तो वो यूरिया के प्राइस बढ़ेंगे, वो भी पास ऑन है सर। शुक्रिया अक्षय, आप बंद नहीं करने दे रहे मुझे स्पेस, गो अहेड। सॉरी सॉरी, बस मेरा ये GST वाला ही सवाल था कि अभी IMF का जो प्रोग्राम आ रहा है तो वो राहुल भाई ने क्लियर कर दिया। थैंक यू। मेरा लास्ट क्वेश्चन है राहुल भाई, ऑन अ लाइटर नोट, आप वाईफाई यूज कर रहे हैं या फोन का इंटरनेट? सर वाईफाई यूज कर रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा फोन का कर रहे हैं तो मैं पाकिस्तान जाऊं तो मेक श्योर के ये ना लूं इन इस कंपनी का कनेक्शन। सही सर, चलें इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल भाई आपका बहुत शुक्रिया। Enjoy your weekend and we speak next Saturday. Thank you very much.